ग्रह जुदा मूवी के फैक्टो रिव्यू ग्रह जुदा सन उन्नीस की एक बंगाली फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन बुद्ध देव दासगुप्ता ने किया है इसमें सुनील मुखर्जी ने अभिनय किया फ़िल्म का निर्माण पश्चिम बंगाल सरकार अनुबंध के तहत किया गया था सन उन्नीस के दशक में बंगाल में नक्सली आंदोलन फिल्म की पृष्ठभूमि का बनाता है निर्देशक गुप्ता लेखक है बुद्ध देवदास गुप्ता और परबीत दास महापात्रा उत्पादित किया बुद्ध देवदास गुप्ता ने छायांकन संबित बोस ने किया रिलीज सन उन्नीस में हुई फिल्म का कार्यक्रम अट्ठानवे मिनट का और देश और भारत और भाषा बंगाली फिल्म को फैनिस फिल्म फेस्टिवल के उनतालीसवें संस्करण में के मुख्य प्रतियोगिता में शामिल किया गया था कथानक बैरकपुर में एक निजी स्टील कंपनी के मुखिया श्रम अधिकारी के प्रबंधन और भ्रष्टाचार पर आबाश होता है वह आदर्शवादी व इस्तीफा दे देता है और उसकी हत्या कर दी जाती है ट्रेड यूनियन के सचिव प्रोबीर को इसका पता चलता है और उसकी हत्या कर दी जाती है उसका साथी बिजन भाग भागने में सफल हो जाता है और फरार हो जाता है निरुपमा बहन को चुपचाप बिजन को पालती है और संदीप एक रिपोर्ट्स के द्वारा हत्यारों के बड़े बड़े के ग्रहों को ट्रैक करती है जिसमें शीतल भी शामिल है जो एक छोटे से मैकीवर्ड बॉल टीम में गोलकीपर है शीतल को शीतल ने खुलासा किया है उन्हें नौकरी का जासा दिया गया था लेकिन वादे नहीं रखे गए और शीतल अपने अतीत को छोड़ना चाहती है इस बीच बेजन नास, नासिक में एक सेल्समैन के रूप में अच्छा कर चुका है और एक बदलते बदले हुए व्यक्ति के रूप में कलकत्ता लौटता है उनके मूल्य समय की सफलता से छीन हो गए थे वे अपने पहले के विश्वासों की अपनी मर्यादा को तो सही ठहराने की कोशिश करता है लेकिन निरुपमा को समझाने में विफल रहता है ये रहता है उसके बाद, बाद वे क्या लेकिन ब्रह्म हताश निरूपमा को अपना प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है शादी की तारीख पर संदीपन रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया जाता है उलझन को निरुपमा को पता चलता है कि ए, पर चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ा है जो उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा है लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपम्मा के साथ का अंत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और निरुपमा को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक असहाय लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है जो पता चलता है कि वह निप न्यूपम्मा के साथ फ़िल्म का अंत करती है खुद की संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और नूर को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा है लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपम्मा के साथ फ़िल्म का अतीत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है अंजन दत्ता जो बिजन के रूप में है और ममता शंकर जो निरुपमा के रूप में है और संदीपन के रूप में गौतम घोष है और और शशांश भट्टाचार्य है समाचार पत्र संपादक के रूप में मनोज मित्रा है परबीर गुहा और सुनील मुखर्जी और प्रदीप सैन और मनोदीप रॉय है इसके बाद पता चलता है कि वह है। इसके बाद बताया गया है कि उत्पादन में देखा गया है सन उन्नीस सौ इक्यासी में गौतम घोष ने ममता शंकर के साथ दखल नामक एक फिल्म की थी और गौतम घोष ने कहा था कि ममता को निर्देशित करते हुए मैं कुछ दृश्यों का अभिनय करूंगा और उनके बुद्ध को फ़ोन किया यह भी कहा कि उन्हें गृह युद्ध में भूमिका के लिए सम्... मुझसे संपर्क करना चाहिए और बुद्ध और ममता उन्हें भूमिका निभाने के लिए मामले में उनके वापस आपस पहुंचे आसपास पहुँचे उत्पादन गौतम घोष को एक शक्तार, में दास गुप्ता के बारे में कहा वे हमेशा यूनिट को बताते थे कि मुझे अतिरिक्त टैंक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं खुद एक सिनेमोटोग्राफ हूँ और ट्रॉली के साथ चलता हूँ बुध तब से एक नई शैली विकसित करने की कोशिश कर रहे थे ग्रह युद्ध के दिन हम अक्सर इस बात पर बहस करते थे कि वे चीज़ें को एक निश्चित तरीके से क्यों कर रहे हैं फिर फिर वह मुझे एक नई शैली विकसित करने की इच्छा के बारे में बताते हैं क्योंकि मैं भी एक नई फिल्म निर्माता हूँ इसलिए इसलिए यह मुझ समझ सकता हूँ सामान्य जीवन जो था एक ठग शीतल दास जो मृतक प्रबीर दत्ता के घर आया और उसे प्रडिस स्पोर्टिंग्स क्लब कोलकाता का गल का गोल दिखा दिया गया संदर्भ में बताया जाता है कि स्टेफनो रेगिस ने रिगानी एक्को आई फिल्म में एक ए वेनिजिया सी कै से आई लियोडी आर डी आर ए लाइस वन एट्टी थ्री ट्वेंटी एट जुलाई दो हज़ार सन उन्नीस सौ बयासी को ले गया बुध ने मुझे अपने ग्रह युद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया गौतम धोष कोलकाता समाचार टाइम्स ऑफ इंडिया दिया गया बुध ने मुझे अपने ग्रह युद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया और इसके बाद ये वह कहता हुआ रहा ग्रह जुदा मूवी के फैक्टो रिव्यू ग्रह जुदा सन उन्नीस की एक बंगाली फ़िल्म है जिसका निर्देशन और लेखन बुद्ध देव दास गुप्ता ने किया है इसमें सुनील मुखर्जी ने अभिनय किया फिल्म का निर्माण पश्चिम बंगाल सरकार अनुबंध के तहत किया गया था सन उन्नीस के दशक में बंगाल में नक्सली आंदोलन फिल्म की पृष्ठभूमि भूमिका बनाता है निर्देशक बुद्ध देव गुप्ता लेखक है बुद्ध दास गुप्ता और परबीत दास महापात्रा उत्पादित किया बुद्ध दास गुप्ता ने छायांकन संबित बोस ने किया रिलीज सन उन्नीस सौ बयासी में हुई फिल्म का कार्यक्रम अट्ठानवे मिनट का और देश भारत और भाषा बंगाली फिल्म को फैनिस फिल्म फेस्टिवल के उनतालीसवें संस्करण में के मुख्य प्रतियोगिता में शामिल किया गया था कथानक बैरकपुर में एक निजी स्टील कंपनी के मुखिया श्रम अधिकारी के प्रबंधन और भ्रष्टाचार पर आभाष होता है वह आदर्शवादी व इस्तीफा दे देता है और उसकी हत्या कर दी जाती है ट्रेड यूनियन के सचिव प्रोबीर को इसका पता चलता है और उसकी हत्या कर दी जाती है उसका साथी बिजन भाग भागने में सफल हो जाता है और फरार हो जाता है निरुपमा बहन को चुपचाप बिजन को पालती है और संदीप एक रिपोर्ट्स के द्वारा हत्यारों के बड़े बड़े के ग्रहों को ट्रैक करती है जिसमें शीतल भी शामिल है जो एक छोटे से समय की फुटबॉल टीम में गोलकीपर है शीतल को शीतल ने खुलासा किया है उन्हें नौकरी का जासा दिया गया था लेकिन वादे नहीं रखे गए और शीतल अपने अतीत को छोड़ना चाहती है इस बीच बीजन नास नासिक में एक सेल्समैन के रूप में अच्छा कर चुका है और एक बदलते बदले हुए व्यक्ति के रूप में कलकत्ता लौटता है उनके मूल्य समय की सफलता से छीन हो गए थे वे अपने पहले के विश्वासों की अपनी मर्यादा को तो सही ठहराने की कोशिश करता है लेकिन निरुपमा को समझाने में विफल रहता है ये रहता है उसके बाद बाद वे क्या लेकिन ब्रह्म हताश निरूपण को अपना प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है शादी की तारीख पर संदीपन रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया जाता है उलझन को निरुपमा को पता चलता है कि, कि पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ा है जो उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा है लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपम्मा के साथ का अंत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और निरुपमा को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक असहाय लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है जो पता चलता है कि वह निप न्यूपमा के साथ फ़िल्म का अंत करती है खुद की संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और न्यूपमा को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा ही लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपम्मा के साथ फ़िल्म का अतीत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है अंजन दत्ता जो बिजन के रूप में है और ममता शंकर जो निरुपमा के रूप में है और संदीपन के रूप में गौतम घोष है और और शशांश भट्टाचार्य है समाचार पत्र संपादक के रूप में मनोज मित्रा है परबीर गुहा और सुनील मुखर्जी और प्रदीप सैन और मनोदीप रॉय है इसके बाद पता चलता है कि वह है। इसके बाद बताया गया है कि उत्पादन में देखा गया है सन उन्नीस सौ इक्यासी में गौतम घोष ने ममता शंकर के साथ दखल नामक एक फिल्म की थी और गौतम घोष ने कहा था कि ममता को निर्देशित करते हुए मैं कुछ दृश्यों का अभिनय करूंगा और उनके बुद्ध को फ़ोन किया यह भी कहा कि उन्हें गृह युद्ध में भूमिका के लिए सम्... मुझसे संपर्क करना चाहिए और बुद्ध और ममता उन्हें भूमिका निभाने के लिए मामले में उनके वापस आपस पहुँचे आसपास पहुँचे उत्पादन गौतम घोष को एक शक्तार, में बुधदेव सा दास गुप्ता के बारे में कहा वे हमेशा यूनिट को बताते थे कि मुझे अतिरिक्त टैंक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं खुद एक सिनेमोटोग्राफ हूँ और ट्रॉली के साथ चलता हूँ बुद्ध तब से एक नई शैली विकसित करने की कोशिश कर रहे थे ग्रह युद्ध के दिन हम अक्सर इस बात पर बहस करते थे कि वे चीज़ें को एक निश्चित तरीके से क्यों कर रहे हैं फिर फिर वह मुझे एक नई शैली विकसित करने की इच्छा के बारे में बताते हैं क्योंकि मैं भी एक नई फिल्म निर्माता हूँ इसलिए इसलिए यह मुझ समझ सकता हूँ सामान्य जीवन जो था एक ठग शीतल दास जो मृतक प्रबीर दत्ता के घर आया और उसे प्रेडिस स्पोर्टिंग्स क्लब कोलकाता का गल का गोल दिखा दिया गया संदर्भ में बताया जाता है कि स्टेफनो रेगिस रिगानी एक्को आई फिल्म में एक ए वेनिजिया सी कै से आई लियोडी डी आर ए लाइस टम्प्स वन एट्टी थ्री ट्वेंटी एट जुलाई दो हज़ार सन उन्नीस सौ बयासी को ले गया बुध ने मुझे अपने गृह युद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया गौतम धोष कोलकाता समाचार टाइम्स ऑफ इंडिया दिया गया बुध ने मुझे अपने युद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया और इसके बाद ये वह कहता हुआ रहा ग्रह जुदा मूवी के फैक्टो रिव्यू ग्रह जुदा सन उन्नीस की एक बंगाली फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन बुद्ध देवदास गुप्ता ने किया है इसमें सुनील मुखर्जी ने अभिनय किया फिल्म का निर्माण पश्चिम बंगाल सरकार अनुबंध के तहत किया गया था सन उन्नीस के दशक में बंगाल में नक्सली आंदोलन फिल्म की पृष्ठभूमि भूमिका बनाता है निर्देशक बुद्ध देव दासगुप्ता लेखक है बुद्ध देवदास गुप्ता और परबीत दास महापात्रा उत्पादित किया बुद्ध देवदास गुप्ता ने छायांकन संबित बोस ने किया रिलीज सन उन्नीस में हुई फिल्म का कार्यक्रम अट्ठानवे मिनट का और देश भारत और भाषा बंगाली फिल्म को वैनिस फिल्म फेस्टिवल के उनतालीसवें संस्करण में के मुख्य प्रतियोगिता में शामिल किया गया था कथानक बैरकपुर में एक निजी स्टील कंपनी के मुखिया श्रम अधिकारी के प्रबंधन और भ्रष्टाचार पर आभास होता है वह आदर्शवादी व इस्तीफा दे देता है और उसकी हत्या कर दी जाती है ट्रेड यूनियन के सचिव प्रोबीर को इसका पता चलता है और उसकी हत्या कर दी जाती है उसका साथी बिजन भाग भागने में सफल हो जाता है और फरार हो जाता है निरुपमा बहन को चुपचाप बिजन को पालती है और संदीप एक रिपोर्ट्स के द्वारा हत्यारों के बड़े बड़े के ग्रहों को ट्रैक करती है जिसमें शीतल भी शामिल है जो एक छोटे से में कीबोर्ड बॉल टीम में गोलकीपर है शीतल को शीतल ने खुलासा किया है उन्हें नौकरी का जासा दिया गया था लेकिन वादे नहीं रखे गए और शीतल अपने अतीत को छोड़ना चाहती है इस बीच बीजन बेजन नास, नासिक में एक सेल्समैन के रूप में अच्छा कर चुका है और एक बदलते ए, बदले हुए व्यक्ति के रूप में कलकत्ता लौटता है उनके मूल्य समय की सफलता से छीन हो गए थे वे अपने पहले के विश्वासों की अपनी मर्यादा को सही ठहराने की कोशिश करता है लेकिन निरुपमा को समझाने में विफल रहता है ये रहता है उसके बाद बाद वे क्या लेकिन ब्रह्म और हताश निरूपमा को अपना प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है शादी की तारीख पर संदीपन रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया जाता है उलझन को निरुपमा को पता चलता है कि, कि पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ा है जो उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा है लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपमा के साथ का अंत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और निरुपमा को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक असहाय लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है जो पता चलता है कि वह निप न्यूपम्मा के साथ फ़िल्म का अंत करती है खुद की संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और नूर को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपम्मा के साथ फ़िल्म का अतीत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है अंजन दत्ता जो बिजन के रूप में है और ममता शंकर जो निरुपमा के रूप में है और संदीपन के रूप में गौतम घोष है और शशांश भट्टाचार्य है समाचार पत्र संपादक के रूप में मनोज मित्रा है परबीर गुहा और सुनील मुखर्जी और प्रदीप सैन और मनोदीप रॉय है इसके बाद पता चलता है कि वह इसके बाद बताया गया है कि उत्पादन में देखा गया है सन उन्नीस सौ इक्यासी में गौतम घोष ने ममता शंकर के साथ दखल नामक एक फिल्म की थी और गौतम घोष ने कहा था कि ममता को निर्देशित करते हुए मैं कुछ दृश्यों का अभिनय करूंगा और उनके बुद्ध को फ़ोन किया यह भी कहा कि उन्हें गृह युद्ध में भूमिका के लिए सम्... मुझसे संपर्क करना चाहिए और बुद्ध और ममता उन्हें भूमिका निभाने के लिए मामले में उनके वापस आपस पहुँचे आसपास पहुँचे उत्पादन गौतम घोष को एक तारखार में बुधदेव सादास दास गुप्ता के बारे में कहा वे हमेशा यूनिट को बताते थे कि मुझे अतिरिक्त टैंक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं खुद एक सिनेमोटोग्राफ हूँ और ट्रॉली के साथ चलता हूँ बुध तब से एक नई शैली विकसित करने की कोशिश कर रहे थे ग्रह युद्ध के दिन हम अक्सर इस बात और बहस करते थे कि वे चीज़ें को एक निश्चित तरीके से क्यों कर रहे हैं फिर फिर वह मुझे एक नई शैली विकसित करने की इच्छा के बारे में बताते हैं क्योंकि मैं भी एक नई फिल्म निर्माता हूँ इसलिए इसलिए यह मुझ समझ सकता हूँ सामान्य जीवन जो था एक ठग शीतल दास जो मृतक प्रबीप दत्ता के घर आया और उसे प्रेडिस स्पोर्टिंग्स क्लब कोलकाता का, का गोलकीपर दिखा दिया गया संदर्भ में बताया जाता है कि स्टेफनो रेगिस ने रेगानी एक्को आई फिल्म में एक ए वेनिजिया सी कैंडोनिया के आई लियोनडी आर डी आर ए लाइस टम्प्स वन एट्टी थ्री ट्वेंटी एट जुलाई दो हज़ार सौ बयासी को ले गया बुध ने मुझे अपने गृहयुद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया गौतम धोष कोलकाता समाचार टाइम्स ऑफ इंडिया दिया गया बुध ने मुझे अपने गृहयुद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया और इसके बाद ये वह कहता हुआ रहा ग्रह जुद्धा मूवी के फैक्टो रिव्यू ग्रह जुदा सन उन्नीस की एक बंगाली फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन बुद्ध देव दास गुप्ता ने किया है इसमें सुनील मुखर्जी ने अभिनय किया फिल्म का निर्माण पश्चिम बंगाल सरकार अनुबंध के तहत किया गया था सन उन्नीस के दशक में बंगाल में नक्सली आंदोलन फिल्म की पृष्ठभूमि भूमिका बनाता है निर्देशक बुद्धदेव दास गुप्ता लेखक है बुद्ध दास गुप्ता और परबीत दास महापात्रा उत्पादित किया बुद्ध दास गुप्ता ने छायांकन संबित बोस ने किया रिलीज सन उन्नीस सौ बयासी में हुई फिल्म का कार्यक्रम अट्ठानवे मिनट का और देश भारत और भाषा बंगाली फिल्म को फैनिस फिल्म फेस्टिवल के उनतालीसवें संस्करण में के मुख्य प्रतियोगिता में शामिल किया गया था कथानक बैरकपुर में एक निजी स्टील कंपनी के मुखिया श्रम अधिकारी के प्रबंधन और भ्रष्टाचार पर आभास होता है वह आदर्शवादी व इस्तीफा दे देता है और उसकी हत्या कर दी जाती है ट्रेड यूनियन के सचिव प्रोबीर को इसका पता चलता है और उसकी हत्या कर दी जाती है उसका साथी बिजन भाग भागने में सफल हो जाता है और फरार हो जाता है निरुपमा बहन को चुपचाप बिजन को पालती है और संदीप एक रिपोर्ट्स के द्वारा हत्यारों के बड़े बड़े के ग्रहों को ट्रैक करती है जिसमें शीतल भी शामिल है जो एक छोटे समय की फुटबॉल टीम में गोल कीपर है शीतल को शीतल ने खुलासा किया है उन्हें नौकरी का जासा दिया गया था लेकिन वादे नहीं रखे गए और शीतल अपने अतीत को छोड़ना चाहती है इस बीच विजन नास नासिक में एक सेल्समैन के रूप में अच्छा कर चुका है और एक बदलते ए, बदले हुए व्यक्ति के रूप में कलकत्ता लौटता है उनके मूल्य समय की सफलता से छीन हो गए थे वे अपने पहले के विश्वासों की अपनी मर्यादा को तो सही ठहराने की कोशिश करता है लेकिन निरुपमा को समझाने में विफल रहता है ये रहता है उसके बाद बाद वे क्या लेकिन और हताश निरूपण को अपना प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है शादी की तारीख पर संदीपन रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया जाता है उलझन को निरुपमा को पता चलता है कि, कि पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ा है जो उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा है लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपम्मा के साथ का अंत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और निरुपमा को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक असहाय लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है जो पता चलता है कि वह न्यूपमा के साथ फ़िल्म का अंत करती है खुद की संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और नूर को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा है लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपम्मा के साथ फिल्म का अतीत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है अंजन दत्ता जो बिजन के रूप में है और ममता शंकर जो निरुपमा के रूप में है और संदीपन के रूप में गौतम घोष है और शशांश भट्टाचार्य है समाचार पत्र संपादक के रूप में मनोज मित्रा है परबीर गुहा और सुनील मुखर्जी और प्रदीप सैन और मनोदीप रॉय है इसके बाद पता चलता है कि वह है। इसके बाद बताया गया है कि उत्पादन में देखा गया है सन उन्नीस सौ इक्यासी में गौतम घोष ने ममता शंकर के साथ दखल नामक एक फिल्म की थी और गौतम घोष ने कहा था कि ममता को निर्देशित करते हुए मैं कुछ दृश्यों का अभिनय करूंगा और उनके बुद्ध को फ़ोन किया यह भी कहा कि उन्हें युद्ध में भूमिका के लिए सम्... मुझसे संपर्क करना चाहिए और बुद्ध और ममता उन्हें भूमिका निभाने के लिए मामले में उनके वापस आपस पहुंचे आसपास पहुँचे उत्पादन गौतम घोष को एक तारख्सतार में बुधदेव सा दास गुप्ता के बारे में कहा वे हमेशा यूनिट को बताते थे कि मुझे अतिरिक्त टैंक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं खुद एक सिनेमोटोग्राफ हूँ और ट्रॉली के साथ चलता हूँ बुद्ध तब से एक नई शैली विकसित करने की कोशिश कर रहे थे ग्रह युद्ध के दिन हम अक्सर इस बात पर बहस करते थे कि वे चीज़ें को एक निश्चित तरीके से क्यों कर रहे हैं फिर फिर वह मुझे एक नई शैली विकसित करने की इच्छा के बारे में बताते हैं क्योंकि मैं भी एक नई फिल्म निर्माता हूँ इसलिए इसलिए यह मुझ समझ सकता हूँ सामान्य जीवन जो था एक ठग शीतल दास जो मृतक परबीर दत्ता के घर आया और उसे प्रेडिस स्पोर्टिंग्स क्लब कोलकाता का गल का गोल दिखा दिया गया संदर्भ में बताया जाता है कि स्टेफनो रेगिस ने रेगानी एक्को आई फिल्म में एक ए वेनिजिया सी कैंडोन के से आई लियोडी आर डी आर ए लाइस टम्प्स वन एट्टी थ्री ट्वेंटी एट जुलाई दो हज़ार सन उन्नीस सौ बयासी को ले गया बुध ने मुझे अपने ग्रह युद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया गौतम धोष कोलकाता समाचार टाइम्स ऑफ इंडिया दिया गया बुध ने मुझे अपने गृहयुद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया और इसके बाद ये वह कहता हुआ रहा ग्रह जुदा मूवी के फैक्टो रिव्यू ग्रह जुदा सन उन्नीस की एक बंगाली फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन बुद्ध दास गुप्ता ने किया है इसमें सुनील मुखर्जी ने अभिनय किया फिल्म का निर्माण पश्चिम बंगाल सरकार अनुबंध के तहत किया गया था सन उन्नीस के दशक में बंगाल में नक्सली आंदोलन फिल्म की पृष्ठभूमि भूमिका बनाता है निर्देशक दास गुप्ता लेखक है बुद्ध दास गुप्ता और परबीत दास महापात्रा उत्पादित किया बुद्ध दास गुप्ता ने छायांकन संबित बोस ने किया रिलीज सन उन्नीस में हुई फिल्म का कार्यक्रम अट्ठानवे मिनट का और देश भारत और भाषा बंगाली फिल्म को वैनिस फिल्म फेस्टिवल के उनतालीसवें संस्करण में के मुख्य प्रतियोगिता में शामिल किया गया था कथानक बैरकपुर में एक निजी स्टील कंपनी के मुखिया श्रम अधिकारी के प्रबंधन और भ्रष्टाचार पर आभाष होता है वह आदर्शवादी व इस्तीफ़ा देता है और उसकी हत्या कर दी जाती है ट्रेड यूनियन के सचिव प्रोबीर को इसका पता चलता है और उसकी हत्या कर दी जाती है उसका साथी बिजन भाग भागने में सफल हो जाता है और फरार हो जाता है निरुपमा बहन को चुपचाप बिजन को पालती है और संदीप एक रिपोर्ट्स के द्वारा हत्यारों के बड़े बड़े के ग्रहों को ट्रैक करती है जिसमें शीतल भी शामिल है जो एक छोटे से में कीबोर्ड बॉल टीम में गोलकीपर है शीतल को शीतल ने खुलासा किया है उन्हें नौकरी का जासा दिया गया था लेकिन वादे नहीं रखे गए और शीतल अपने अतीत को छोड़ना चाहती है इस बीच बीजन से नास, नासिक में एक सेल्समैन के रूप में अच्छा कर चुका है और एक बदलते बदले हुए व्यक्ति के रूप में कलकत्ता लौटता है उनके मूल्य समय की सफलता से छीन हो गए थे वे अपने पहले के विश्वासों की अपनी मर्यादा को तो सही ठहराने की कोशिश करता है लेकिन निरुपमा को समझाने में विफल रहता है ये रहता है उसके बाद बाद वे क्या लेकिन ब्रह्म और हताश निरूपण को अपना प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है शादी की तारीख पर संदीपन रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया जाता है उलझन को निरुपमा को पता चलता है कि, कि पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ा है जो उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा है लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपम्मा के साथ का अंत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और निरुपमा को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक असहाय लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है जो पता चलता है कि वह निप न्यूपम्मा के साथ फ़िल्म का अंत करती है खुद की संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और नूरो को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपम्मा के साथ फ़िल्म का अतीत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है अंजन दत्ता जो बिजन के रूप में है और ममता शंकर जो निरुपमा के रूप में है और संदीपन के रूप में गौतम घोष है और शशांश भट्टाचार्य है समाचार पत्र संपादक के रूप में मनोज मित्रा है परबीर गुहा और सुनील मुखर्जी और प्रदीप सैन और मनोदीप रॉय है इसके बाद पता चलता है कि वह है। इसके बाद बताया गया है कि उत्पादन में देखा गया है सन उन्नीस सौ में गौतम घोष ने ममता शंकर के साथ दखल नामक एक फिल्म की थी और गौतम घोष ने कहा था कि ममता को निर्देशित करते हुए मैं कुछ दृश्यों का अभिनय करूंगा और उनके बुद्ध को फ़ोन किया यह भी कहा कि उन्हें गृह युद्ध में भूमिका के लिए सम्... मुझसे संपर्क करना चाहिए और बुध और ममता उन्हें भूमिका निभाने के लिए मामले में उनके वापस आपस पहुँचे आसपास पहुँचे उत्पादन गौतम घोष को एक तारखार में बुधदेव सा दास गुप्ता के बारे में कहा वे हमेशा यूनिट को बताते थे कि मुझे अतिरिक्त टैंक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं खुद एक सिनेमोटोग्राफ हूँ और ट्रॉली के साथ चलता हूँ बुद्ध तब से एक नई शैली विकसित करने की कोशिश कर रहे थे ग्रह युद्ध के दिन हम अक्सर इस बात पर बहस करते थे कि वे चीज़ें को एक निश्चित तरीके से क्यों कर रहे हैं फिर फिर वह मुझे एक नई शैली विकसित करने की इच्छा के बारे में बताते हैं क्योंकि मैं भी एक नई फिल्म निर्माता हूँ इसलिए इसलिए यह मुझ समझ सकता हूँ सामान्य जीवन जो था एक ठग शीतल दास जो मृतक प्रबीप दत्ता के घर आया और उसे प्रडिस स्पोर्टिंग्स क्लब कोलकाता का गल का गोल दिखा दिया गया संदर्भ में बताया जाता है कि स्टेफनो ने रेगानी एक्को आई फिल्म में एक ए वेनिजिया सी कैंडोनिया के आई लियोनडी आर डी, डी आर ए लाइस टम्स वन एट्टी थ्री ट्वेंटी एट जुलाई दो हज़ार सौ बयासी को ले गया बुध ने मुझे अपने गृहयुद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया गौतम धोष कोलकाता समाचार टाइम्स ऑफ इंडिया दिया गया बुध ने मुझे अपने गृहयुद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया और इसके बाद ये वह कहता हुआ रहा ग्रह जुदा मूवी के फैक्टो रिव्यू ग्रह जुदा सन उन्नीस की एक बंगाली फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन बुद्ध दास गुप्ता ने किया है इसमें सुनील मुखर्जी ने अभिनय किया फिल्म का निर्माण पश्चिम बंगाल सरकार अनुबंध के तहत किया गया था सन उन्नीस के दशक में बंगाल में नक्सली आंदोलन फिल्म की पृष्ठभूमि भूमिका बनाता है निर्देशक बुद्ध देव गुप्ता लेखक है बुद्ध दास गुप्ता और परबीत दास महापात्रा उत्पादित किया बुद्ध दास गुप्ता ने छायांकन संबित बोस ने किया रिलीज सन उन्नीस सौ बयासी में हुई फिल्म का कार्यक्रम अट्ठानवे मिनट का और देश भारत और भाषा बंगाली फिल्म को फेनिस फिल्म फेस्टिवल के उनतालीसवें संस्करण में के मुख्य प्रतियोगिता में शामिल किया गया था कथानक बैरकपुर में एक निजी स्टील कंपनी के मुखिया श्रम अधिकारी के प्रबंधन और भ्रष्टाचार पर आभाष होता है वह आदर्शवादी व इस्तीफा दे देता है और उसकी हत्या कर दी जाती है ट्रेड यूनियन के सचिव प्रोबीर को इसका पता चलता है और उसकी हत्या कर दी जाती है उसका साथी बिजन भाग भागने में सफल हो जाता है और फरार हो जाता है निरुपमा बहन को चुपचाप बिजन को पालती है और संदीप एक रिपोर्ट्स के द्वारा हत्यारों के बड़े बड़े के गिरोहो को ट्रैक करती है जिसमें शीतल भी शामिल है जो एक छोटे से की फुटबॉल टीम में गोल कीपर है सीतल को, सीतल ने खुलासा किया है उन्हें नौकरी का जासा दिया गया था लेकिन वादे नहीं रखे गए और शीतल अपने अतीत को छोड़ना चाहती है इस बीच बीजन नास नासिक में एक सेल्समैन के रूप में अच्छा कर चुका है और एक बदलते बदले हुए व्यक्ति के रूप में कलकत्ता लौटता है उनके मूल्य समय की सफलता से छीन हो गए थे वे अपने पहले के विश्वासों की अपनी मर्यादा को तो सही ठहराने की कोशिश करता है लेकिन निरुपमा को समझाने में विफल रहता है ये रहता है उसके बाद बाद वे क्या लेकिन ब्रह्मूर्त हताश निरूपण को अपना प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है शादी की तारीख पर संदीपन रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया जाता है उलझन को निरुपमा को पता चलता है कि पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ा है जो उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा है लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपम्मा के साथ का अंत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और निरुपमा को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक असहाय लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है जो पता चलता है कि वह न्यूपमा के साथ फ़िल्म का अंत करती है खुद की संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और न्यूपमा को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा ही लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपम्मा के साथ फ़िल्म का अतीत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है अंजन दत्ता जो बिजन के रूप में है और ममता शंकर जो निरुपमा के रूप में है और संदीपन के रूप में गौतम घोष है और शशांश भट्टाचार्य है समाचार पत्र संपादक के रूप में मनोज मित्रा है परबीर गुहा और सुनील मुखर्जी और प्रदीप सैन और मनोदीप रॉय है इसके बाद पता चलता है कि वह है। इसके बाद बताया गया है कि उत्पादन में देखा गया है सन उन्नीस सौ इक्यासी में गौतम घोष ने ममता शंकर के साथ दखल नामक एक फिल्म की थी और गौतम घोष ने कहा था कि ममता को निर्देशित करते हुए मैं कुछ दृश्यों का अभिनय करूंगा और उनके बुद्ध को फ़ोन किया यह भी कहा कि उन्हें गृह युद्ध में भूमिका के लिए सम्... मुझसे संपर्क करना चाहिए और बुद्ध और ममता उन्हें भूमिका निभाने के लिए मामले में उनके वापस आपस पहुंचे आसपास पहुँचे उत्पादन गौतम घोष को एक शक्तार, में बुधदेव सा गुप्ता के बारे में कहा वे हमेशा यूनिट को बताते थे कि मुझे अतिरिक्त टैंक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं खुद एक सिनेमोटोग्राफ हूँ और ट्रॉली के साथ चलता हूँ बुध तब से एक नई शैली विकसित करने की कोशिश कर रहे थे ग्रह युद्ध के दिन हम अक्सर इस बात पर बहस करते थे कि वे चीज़ें को एक निश्चित तरीके से क्यों कर रहे हैं फिर फिर वह मुझे एक नई शैली विकसित करने की इच्छा के बारे में बताते हैं क्योंकि मैं भी एक नई फिल्म निर्माता हूँ इसलिए इसलिए यह मुझ समझ सकता हूँ सामान्य जीवन जो था एक ठग शीतल दास जो मृतक परबीर दत्ता के घर आया और उसे प्रेडिस स्पोर्टिंग्स क्लब कोलकाता का गल का गोल दिखा दिया गया संदर्भ में बताया जाता है कि स्टेफनो रेगिस ने रेगानी एक्को आई फिल्म में एक ए वेनिजिया सी कैंडोन के से आई लियोडी आर डी आर ए लाइस टम्प्स वन एट्टी थ्री ट्वेंटी एट जुलाई दो हज़ार सन उन्नीस सौ बयासी को ले गया बुध ने मुझे अपने गृह युद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया गौतम धोष कोलकाता समाचार टाइम्स ऑफ इंडिया दिया गया बुध ने मुझे अपने गृहयुद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया और इसके बाद यही वे कहता हुआ रहा ग्रह जुदा मूवी के फैक्टो रिव्यू ग्रह जुदा सन उन्नीस की एक बंगाली फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन बुद्ध देव दास गुप्ता ने किया है इसमें सुनील मुखर्जी ने अभिनय किया फिल्म का निर्माण पश्चिम बंगाल सरकार अनुबंध के तहत किया गया था सन उन्नीस के दशक के बंगाल में नक्सली आंदोलन फिल्म की पृष्ठभूमि भूमिका बनाता है निर्देशक गुप्ता लेखक है बुद्ध देव देव दास गुप्ता और परबीत दास महापात्रा उत्पादित किया बुद्ध दास गुप्ता ने छायांकन संबित बोस ने किया रिलीज सन उन्नीस सौ बयासी में हुई फिल्म का कार्यक्रम अट्ठानवे मिनट का और देश भारत और भाषा बंगाली फिल्म को वैनिस फिल्म फेस्टिवल के उनतालीसवें संस्करण में के मुख्य प्रतियोगिता में शामिल किया गया था कथानक बैरकपुर में एक निजी स्टील कंपनी के मुखिया श्रम अधिकारी के प्रबंधन और भ्रष्टाचार पर आभास होता है वह आदर्शवादी व इस्तीफ़ा देता है और उसकी हत्या कर दी जाती है ट्रेड यूनियन के सचिव प्रोबीर को इसका पता चलता है और उसकी हत्या कर दी जाती है उसका साथी बिजन भाग भागने में सफल हो जाता है और फरार हो जाता है निरुपम्मा बहन को चुपचाप बिजन को पालती है और संदीप एक रिपोर्ट्स के द्वारा हत्यारों के बड़े बड़े के ग्रहों को ट्रैक करती है जिसमें शीतल भी शामिल है जो एक छोटे से मैकीवोट बॉल टीम में गोलकीपर है शीतल को शीतल ने खुलासा किया है उन्हें नौकरी का जासा दिया गया था लेकिन वादे नहीं रखे गए और शीतल अपने अतीत को छोड़ना चाहती है इस बीच बेजन नास, नासिक में एक सेल्समैन के रूप में अच्छा कर चुका है और एक बदलते ए, बदले हुए व्यक्ति के रूप में कलकत्ता लौटता है उनके मूल्य समय की सफलता से छीन हो गए थे वे अपने पहले के विश्वासों की अपनी मर्यादा को तो सही ठहराने की कोशिश करता है लेकिन निरुपमा को समझाने में विफल रहता है ये रहता है उसके बाद बाद वे क्या लेकिन ब्रह्म और हताश निरूपमा को अपना प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है शादी की तारीख पर संदीपन रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया जाता है उलझन को निरुपमा को पता चलता है कि, कि पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ा है जो उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा है लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह निरुपमा के साथ का अंत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और निरुपमा को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक असहाय लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है जो पता चलता है कि वह निप न्यूपम्मा के साथ फ़िल्म का अंत करती है खुद की संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और नूरो को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा है लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपम्मा के साथ फ़िल्म का अतीत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है अंजन दत्ता जो बिजन के रूप में है और ममता शंकर जो निरुपमा के रूप में है और संदीपन के रूप में गौतम घोष है और और शशांश भट्टाचार्य है समाचार पत्र संपादक के रूप में मनोज मित्रा है परबीर गुहा और सुनील मुखर्जी और प्रदीप सेन और मनोदीप रॉय है इसके बाद पता चलता है कि वह है। इसके बाद बताया गया है कि उत्पादन में देखा गया है सन उन्नीस सौ इक्यासी में गौतम घोष ने ममता शंकर के साथ दखल नामक एक फिल्म की थी और गौतम घोष ने कहा था कि ममता को निर्देशित करते हुए मैं कुछ दृश्यों का अभिनय करूंगा और उनके बुद्ध को फ़ोन किया यह भी कहा कि उन्हें गृह युद्ध में भूमिका के लिए मुझसे संपर्क करना चाहिए और बुद्ध और ममता उन्हें भूमिका निभाने के लिए मामले में उनके वापस आपस पहुँचे आसपास पहुँचे उत्पादन गौतम घोष को एक शक्तार, में दास गुप्ता के बारे में कहा वे हमेशा यूनिट को बताते थे कि मुझे अतिरिक्त टैंक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं खुद एक सिनेमोटोग्राफ हूँ और ट्रॉली के साथ चलता हूँ बुद्ध तब से एक नई शैली विकसित करने की कोशिश कर रहे थे ग्रह युद्ध के दिन हम अक्सर इस बात पर बहस करते थे कि वे चीज़ें को एक निश्चित तरीके से क्यों कर रहे हैं फिर फिर वह मुझे एक नई शैली विकसित करने की इच्छा के बारे में बताते हैं क्योंकि मैं भी एक नई फिल्म निर्माता हूँ इसलिए इसलिए यह मुझ समझ सकता हूँ सामान्य जीवन जो था एक ठग शीतल दास जो मृतक प्रबीर दत्ता के घर आया और उसे प्रेडिस स्पोर्टिंग्स क्लब कोलकाता का गल का गोल दिखा दिया गया संदर्भ में बताया जाता है कि स्टेफनो ने रिगानी एक्को आई फिल्म में एक ए वेनिजिया सी कै के डी से लाइस लियोन्टम्प्स वन एट्टी थ्री ट्वेंटी एट जुलाई दो हज़ार सौ बयासी को ले गया बुध ने मुझे अपने ग्रह युद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया गौतम धोष कोलकाता समाचार टाइम्स ऑफ इंडिया दिया गया बुध ने मुझे अपने ग्रह युद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया और इसके बाद ये वह कहता हुआ रहा ग्रह जुदा मूवी के फैक्टो रिव्यू ग्रह जुदा सन उन्नीस की एक बंगाली फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन बुद्ध देव दासगुप्ता ने किया है इसमें सुनील मुखर्जी ने अभिनय किया फिल्म का निर्माण पश्चिम बंगाल सरकार अनुबंध के तहत किया गया था सन उन्नीस के दशक में बंगाल में नक्सली आंदोलन फिल्म की पृष्ठभूमि भूमिका बनाता है निर्देशक बुद्ध देव दासगुप्ता लेखक है बुद्ध देवदास गुप्ता और परबीत दास महापात्रा उत्पादित किया बुद्ध देवदास गुप्ता ने छायांकन संबित बोस ने किया रिलीज सन उन्नीस सौ बयासी में हुई फिल्म का कार्यक्रम अट्ठानवे मिनट का और देश भारत और भारत बंगाली फिल्म को फैनिस फिल्म फेस्टिवल के उनतालीसवें संस्करण में के मुख्य प्रतियोगिता में शामिल किया गया था कथानक बैरकपुर में एक निजी स्टील कंपनी के मुखिया श्रम अधिकारी के प्रबंधन और भ्रष्टाचार पर आभास होता है वह आदर्शवादी व इस्तीफा दे देता है और उसकी हत्या कर दी जाती है ट्रेड यूनियन के सचिव प्रोबीर को इसका पता चलता है और उसकी हत्या कर दी जाती है उसका साथी बिजन भाग भागने में सफल हो जाता है और फरार हो जाता है निरुपमा बहन को चुपचाप बिजन को पालती है और संदीप एक रिपोर्ट्स के द्वारा हत्यारों के बड़े बड़े के ग्रहों को ट्रैक करती है जिसमें शीतल भी शामिल है जो एक छोटे में की फुटबॉल टीम में गोल कीपर है शीतल को शीतल ने खुलासा किया है उन्हें नौकरी का जासा दिया गया था लेकिन वादे नहीं रखे गए और शीतल अपने अतीत को छोड़ना चाहती है इस बीच बीजन नास नासिक में एक सेल्समैन के रूप में अच्छा कर चुका है और एक बदलते ए, बदले हुए व्यक्ति के रूप में कलकत्ता लौटता है उनके मूल्य समय की सफलता से छीन हो गए थे वे अपने पहले के विश्वासों की अपनी मर्यादा को सही ठहराने की कोशिश करता है लेकिन निरुपमा को समझाने में विफल रहता है ये रहता है उसके बाद बाद वे क्या लेकिन ब्रह्मूर्त हताश निरूपण को अपना प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है शादी की तारीख पर संदीपन रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया जाता है उलझन को निरुपमा को पता चलता है कि पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ा है जो उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा है लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपम्मा के साथ का अंत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और निरुपमा को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक असहाय लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है जो पता चलता है कि वह न्यूपमा के साथ फ़िल्म का अंत करती है खुद की संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और न्यूपमा को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा है लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपम्मा के साथ फ़िल्म का अतीत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है अंजन दत्ता जो बिजन के रूप में है और ममता शंकर जो निरुपमा के रूप में है और संदीपन के रूप में गौतम घोष है और और शशांश भट्टाचार्य है समाचार पत्र संपादक के रूप में मनोज मित्रा है परबीर गुहा और सुनील मुखर्जी और प्रदीप सैन और मनोदीप रॉय है इसके बाद पता चलता है कि वह इसके बाद बताया गया है कि उत्पादन में देखा गया है सन उन्नीस सौ इक्यासी में गौतम घोष ने ममता शंकर के साथ दखल नामक एक फिल्म की थी और गौतम घोष ने कहा था कि ममता को निर्देशित करते हुए मैं कुछ दृश्यों का अभिनय करूंगा और उनके बुद्ध को फ़ोन किया यह भी कहा कि उन्हें गृह युद्ध में भूमिका के लिए सम्... मुझसे संपर्क करना चाहिए और बुद्ध और ममता उन्हें भूमिका निभाने के लिए मामले में उनके वापस आपस पहुंचे आसपास पहुँचे उत्पादन गौतम घोष को एक में बुधदेव गुप्ता के बारे में कहा वे हमेशा यूनिट को बताते थे कि मुझे अतिरिक्त टैंक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं खुद एक सिनेमोटोग्राफ हूँ और ट्रॉली के साथ चलता हूँ बुध तब से एक नई शैली विकसित करने की कोशिश कर रहे थे ग्रह युद्ध के दिन हम अक्सर इस बात पर बहस करते थे कि वे चीज़ें को एक निश्चित तरीके से क्यों कर रहे हैं फिर फिर वह मुझे एक नई शैली विकसित करने की इच्छा के बारे में बताते हैं क्योंकि मैं भी एक नई फिल्म निर्माता हूँ इसलिए इसलिए यह मुझ समझ सकता हूँ सामान्य जीवन जो था एक ठग शीतल दास जो मृतक परबीर दत्ता के घर आया और उसे प्रिडिस स्पोर्टिंग्स क्लब कोलकाता का गल का गोल दिखा दिया गया संदर्भ में बताया जाता है कि स्टेफनो रेगिस ने रेगानी एक्को आई फिल्म में एक ए वेनिजिया सी कैंडोन के से आई लियोनडी आर डी आर ए लाइस टम्प्स वन एट्टी थ्री ट्वेंटी एट जुलाई दो हज़ार सन उन्नीस सौ बयासी को ले गया बुध ने मुझे अपने ग्रह युद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया गौतम धोष कोलकाता समाचार टाइम्स ऑफ इंडिया दिया गया बुध ने मुझे अपने ग्रह युद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया और इसके बाद ये वह कहता हुआ रहा ग्रह जुदा मूवी के फैक्टो रिव्यू ग्रह जुदा सन उन्नीस सौ बयासी की एक बंगाली फ़िल्म है जिसका निर्देशन और लेखन बुद्ध देव दास गुप्ता ने किया है इसमें सुनील मुखर्जी ने अभिनय किया फिल्म का निर्माण पश्चिम बंगाल सरकार अनुबंध के तहत किया गया था सन उन्नीस के दशक में बंगाल में नक्सली आंदोलन फिल्म की पृष्ठभूमि भूमिका बनाता है निर्देशक दास दासगुप्ता लेखक है बुद्ध दास गुप्ता और परबीत दास महापात्रा उत्पादित किया बुद्ध दास गुप्ता ने छायांकन संबित बोस ने किया रिलीज सन उन्नीस सौ बयासी में हुई फिल्म का कार्यक्रम अट्ठानवे मिनट का और देश भारत और भाषा बंगाली फिल्म को फैनिस फिल्म फेस्टिवल के उनतालीसवें संस्करण में के मुख्य प्रतियोगिता में शामिल किया गया था कथानक बैरकपुर में एक निजी स्टील कंपनी के मुखिया श्रम अधिकारी के प्रबंधन और भ्रष्टाचार पर आभाष होता है वह आदर्शवादी व इस्तीफा देता है और उसकी हत्या कर दी जाती है ट्रेड यूनियन के सचिव प्रोबीर को इसका पता चलता है और उसकी हत्या कर दी जाती है उसका साथी बिजन भाग भागने में सफल हो जाता है और फरार हो जाता है निरुपमा बहन को चुपचाप बिजन को पालती है और संदीप एक रिपोर्ट्स के द्वारा हत्यारों के बड़े बड़े के ग्रहों को ट्रैक करती है जिसमें शीतल भी शामिल है जो एक छोटे से नए की फुटबॉल टीम में गोलकीपर है शीतल को शीतल ने खुलासा किया है उन्हें नौकरी का जासा दिया गया था लेकिन वादे नहीं रखे गए और शीतल अपने अतीत को छोड़ना चाहती है इस बीच बीजन नास, नासिक में एक सेल्समैन के रूप में अच्छा कर चुका है और एक बदलते बदले हुए व्यक्ति के रूप में कलकत्ता लौटता है उनके मूल्य समय की सफलता से छीन हो गए थे वे अपने पहले के विश्वासों की अपनी मर्यादा को तो सही ठहराने की कोशिश करता है लेकिन निरुपमा को समझाने में विफल रहता है ये रहता है उसके बाद बाद वे क्या लेकिन ब्रह्म हताश निरूपमा को अपना प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है शादी की तारीख पर संदीपन रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया जाता है उलझन को निरुपमा को पता चलता है कि, ए, कि पर चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ा है जो उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा है लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपम्मा के साथ का अंत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और निरुपमा को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ही लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है जो पता चलता है कि वह निप न्यूपम्मा के साथ फ़िल्म का अंत करती है खुद की संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और नूरो को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा ही लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपम्मा के साथ फ़िल्म का अतीत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है अंजन दत्ता जो बिजन के रूप में है और ममता शंकर जो निरुपमा के रूप में है और संदीपन के रूप में गौतम घोष है और और शशांश भट्टाचार्य है समाचार पत्र संपादक के रूप में मनोज मित्रा है परबीर गुहा और सुनील मुखर्जी और प्रदीप सैन और मनोदीप रॉय है इसके बाद पता चलता है कि वह है। इसके बाद बताया गया है कि उत्पादन में देखा गया है सन उन्नीस सौ इक्यासी में गौतम घोष ने ममता शंकर के साथ दखल नामक एक फिल्म की थी और गौतम घोष ने कहा था कि ममता को निर्देशित करते हुए मैं कुछ दृश्यों का अभिनय करूंगा और उनके बुद्ध को फ़ोन किया यह भी कहा कि उन्हें गृह युद्ध में भूमिका के लिए सम्... मुझसे संपर्क करना चाहिए और बुध और ममता उन्हें भूमिका निभाने के लिए मामले में उनके वापस आपस पहुँचे आसपास पहुँचे उत्पादन गौतम घोष को एक तारखार में बुद्धदेव सा दास गुप्ता के बारे में कहा वे हमेशा यूनिट को बताते थे कि मुझे अतिरिक्त टैंक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं खुद एक सिनेमोटोग्राफ हूँ और ट्रॉली के साथ चलता हूँ बुद्ध तब से एक नई शैली विकसित करने की कोशिश कर रहे थे ग्रह युद्ध के दिन हम अक्सर इस बात पर बहस करते थे कि वे चीज़ें को एक निश्चित तरीके से क्यों कर रहे हैं फिर फिर वह मुझे एक नई शैली विकसित करने की इच्छा के बारे में बताते हैं क्योंकि मैं भी एक नई फिल्म निर्माता हूँ इसलिए इसलिए यह मुझ समझ सकता हूँ सामान्य जीवन जो था एक ठग शीतल दास जो मृतक प्रबीर दत्ता के घर आया और उसे प्रेडिस स्पोर्टिंग्स क्लब कोलकाता का गल का गोल दिखा दिया गया संदर्भ में बताया जाता है कि स्टेफनो रिगानी एक्को आई फिल्म में एक ए वेनिजिया सी कैंडोन के से आई टम्प्स वन एट्टी थ्री ट्वेंटी एट जुलाई दो हज़ार सन उन्नीस सौ बयासी को ले गया बुध ने मुझे अपने गृहयुद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया गौतम धोष कोलकाता समाचार टाइम्स ऑफ इंडिया दिया गया बुध ने मुझे अपने गृहयुद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया और इसके बाद ये वह कहता हुआ रहा ग्रह जुदा मूवी के फैक्टो रिव्यू ग्रह जुदा सन उन्नीस की एक बंगाली फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन बुद्ध दास गुप्ता ने किया है इसमें सुनील मुखर्जी ने अभिनय किया फिल्म का निर्माण पश्चिम बंगाल सरकार अनुबंध के तहत किया गया था सन उन्नीस के दशक में बंगाल में नक्सली आंदोलन फिल्म की पृष्ठभूमि भूमिका बनाता है निर्देशक बुद्ध देव दासगुप्ता लेखक है बुद्ध दास गुप्ता और परबीत दास महापात्रा उत्पादित किया बुद्ध दास गुप्ता ने छायांकन संबित बोस ने किया रिलीज सन उन्नीस सौ बयासी में हुई फिल्म का कार्यक्रम अट्ठानवे मिनट का और देश भारत और भारत बंगाली फिल्म को फैनिस फिल्म फेस्टिवल के उनतालीसवें संस्करण में के मुख्य प्रतियोगिता में शामिल किया गया था कथानक बैरकपुर में एक निजी स्टील कंपनी के मुखिया श्रम अधिकारी के प्रबंधन और भ्रष्टाचार पर आभाष होता है वह आदर्शवादी व इस्तीफा दे देता है और उसकी हत्या कर दी जाती है ट्रेड यूनियन के सचिव प्रोबीर को इसका पता चलता है और उसकी हत्या कर दी जाती है उसका साथी बिजन भाग भागने में सफल हो जाता है और फरार हो जाता है निरुपमा बहन को चुपचाप बिजन को पालती है और संदीप एक रिपोर्ट्स के द्वारा हत्यारों के बड़े बड़े के ग्रहों को ट्रैक करती है जिसमें शीतल भी शामिल है जो एक छोटे से नए की फुटबॉल टीम में गोलकीपर है शीतल को शीतल ने खुलासा किया है उन्हें नौकरी का जासा दिया गया था लेकिन वादे नहीं रखे गए और शीतल अपने अतीत को छोड़ना चाहती है इस बीच बीजन नास नासिक में एक सेल्समैन के रूप में अच्छा कर चुका है और एक बदलते बदले हुए व्यक्ति के रूप में कलकत्ता लौटता है उनके मूल्य समय की सफलता से छीन हो गए थे वे अपने पहले के विश्वासों की अपनी मर्यादा को तो सही ठहराने की कोशिश करता है लेकिन निरुपमा को समझाने में विफल रहता है ये रहता है उसके बाद, बाद वे क्या लेकिन ब्रह्म हताश निरूपण को अपना प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है शादी की तारीख पर संदीपन रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया जाता है उलझन को निरुपमा को पता चलता है कि ए, पर चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ा है जो उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा है लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपम्मा के साथ का अंत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और निरुपमा को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक असहाय लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है जो पता चलता है कि वह निप न्यूपम्मा के साथ फ़िल्म का अंत करती है खुद की संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और नूर को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा है लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपम्मा के साथ फ़िल्म का अतीत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है अंजन दत्ता जो बिजन के रूप में है और ममता शंकर जो निरुपमा के रूप में है और संदीपन के रूप में गौतम घोष है और शशांश भट्टाचार्य है समाचार पत्र संपादक के रूप में मनोज मित्रा है परबीर गुहा और सुनील मुखर्जी और प्रदीप सैन और मनोदीप रॉय है इसके बाद पता चलता है कि वह है। इसके बाद बताया गया है कि उत्पादन में देखा गया है सन उन्नीस सौ इक्यासी में गौतम घोष ने ममता शंकर के साथ दखल नामक एक फिल्म की थी और गौतम घोष ने कहा था कि ममता को निर्देशित करते हुए मैं कुछ दृश्यों का अभिनय करूंगा और उनके बुद्ध को फ़ोन किया यह भी कहा कि उन्हें गृह युद्ध में भूमिका के लिए सम्... मुझसे संपर्क करना चाहिए और बुद्ध और ममता उन्हें भूमिका निभाने के लिए मामले में उनके वापस आपस पहुँचे आसपास पहुँचे उत्पादन गौतम घोष को एक शक्तार, में दास गुप्ता के बारे में कहा वे हमेशा यूनिट को बताते थे कि मुझे अतिरिक्त टैंक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं खुद एक सिनेमोटोग्राफ हूँ और ट्रॉली के साथ चलता हूँ बुध तब से एक नई शैली विकसित करने की कोशिश कर रहे थे ग्रह युद्ध के दिन हम अक्सर इस बात पर बहस करते थे कि वे चीज़ें को एक निश्चित तरीके से क्यों कर रहे हैं फिर फिर वह मुझे एक नई शैली विकसित करने की इच्छा के बारे में बताते हैं क्योंकि मैं भी एक नई फिल्म निर्माता हूँ इसलिए इसलिए यह मुझ समझ सकता हूँ सामान्य जीवन जो था एक ठग शीतल दास जो मृतक प्रबीप दत्ता के घर आया और उसे प्रडिस स्पोर्टिंग्स क्लब कोलकाता का गल का गोल दिखा दिया गया संदर्भ में बताया जाता है कि स्टेफनो रेगिस ने रिगानी एक्को आई फिल्म में एक ए वेनिजिया सी कै आई लियोडी आर डी आर ए लाइस वन एट्टी थ्री ट्वेंटी एट जुलाई दो हज़ार सन उन्नीस सौ बयासी को ले गया बुध ने मुझे अपने ग्रह युद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया गौतम धोष कोलकाता समाचार टाइम्स ऑफ इंडिया दिया गया बुध ने मुझे अपने ग्रह युद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया और इसके बाद ये वह कहता हुआ रहा ग्रह जुदा मूवी के फैक्टो रिव्यू ग्रह जुदा सन उन्नीस की एक बंगाली फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन बुद्ध देव गुप्ता ने किया है इसमें सुनील मुखर्जी ने अभिनय किया फिल्म का निर्माण पश्चिम बंगाल सरकार अनुबंध के तहत किया गया था सन उन्नीस के दशक में बंगाल में नक्सली आंदोलन फिल्म की पृष्ठभूमि भूमिका बनाता है निर्देशक बुद्ध देव गुप्ता लेखक है बुद्ध दास गुप्ता और परबीत दास महापात्रा उत्पादित किया बुद्ध देवदास गुप्ता ने छायांकन संबित बोस ने किया रिलीज सन उन्नीस सौ बयासी में हुई फिल्म का कार्यक्रम अट्ठानवे मिनट का और देश भारत और भाषा बंगाली फिल्म को फैनिस फिल्म फेस्टिवल के उनतालीसवें संस्करण में के मुख्य प्रतियोगिता में शामिल किया गया था कथानक बैरकपुर में एक निजी स्टील कंपनी के मुखिया श्रम अधिकारी के प्रबंधन और भ्रष्टाचार पर आभाष होता है वह आदर्शवादी व इस्तीफा दे देता है और उसकी हत्या कर दी जाती है ट्रेड यूनियन के सचिव प्रोबीर को इसका पता चलता है और उसकी हत्या कर दी जाती है उसका साथी बिजन भाग भागने में सफल हो जाता है और फरार हो जाता है निरुपमा बहन को चुपचाप बिजन को पालती है और संदीप एक रिपोर्ट्स के द्वारा हत्यारों के बड़े बड़े के ग्रहों को ट्रैक करती है जिसमें शीतल भी शामिल है जो एक छोटे से समय की फुटबॉल टीम में गोलकीपर है शीतल को शीतल ने खुलासा किया है उन्हें नौकरी का जासा दिया गया था लेकिन वादे नहीं रखे गए और शीतल अपने अतीत को छोड़ना चाहती है इस बीच बीजन नास नासिक में एक सेल्समैन के रूप में अच्छा कर चुका है और एक बदलते ए, बदले हुए व्यक्ति के रूप में कलकत्ता लौटता है उनके मूल्य समय की सफलता से छीन हो गए थे वे अपने पहले के विश्वासों की अपनी मर्यादा को तो सही ठहराने की कोशिश करता है लेकिन निरुपमा को समझाने में विफल रहता है ये रहता है उसके बाद बाद वे क्या लेकिन ब्रह्म हताश निरूपण को अपना प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है शादी की तारीख पर संदीपन रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया जाता है उलझन को निरुपमा को पता चलता है कि, कि पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ा है जो उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा है लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपम्मा के साथ का अंत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और निरुपमा को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक असहाय लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है जो पता चलता है कि वह निप न्यूपमा के साथ फ़िल्म का अंत करती है खुद की संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और नूरो को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा ही लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपम्मा के साथ फ़िल्म का अतीत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है अंजन दत्ता जो बिजन के रूप में है और ममता शंकर जो निरुपमा के रूप में है और संदीपन के रूप में गौतम घोष है और और शशांश भट्टाचार्य है समाचार पत्र संपादक के रूप में मनोज मित्रा है परबीर गुहा और सुनील मुखर्जी और प्रदीप सेन और मनोदीप रॉय है इसके बाद पता चलता है कि वह है। इसके बाद बताया गया है कि उत्पादन में देखा गया है सन उन्नीस सौ इक्यासी में गौतम घोष ने ममता शंकर के साथ दखल नामक एक फिल्म की थी और गौतम घोष ने कहा था कि ममता को निर्देशित करते हुए मैं कुछ दृश्यों का अभिनय करूंगा और उनके बुद्ध को फ़ोन किया यह भी कहा कि उन्हें गृह युद्ध में भूमिका के लिए सम्... मुझसे संपर्क करना चाहिए और बुद्ध और ममता उन्हें भूमिका निभाने के लिए मामले में उनके वापस आपस पहुँचे आसपास पहुँचे उत्पादन गौतम घोष को एक तारखार में बुधदेव सादास दास गुप्ता के बारे में कहा वे हमेशा यूनिट को बताते थे कि मुझे अतिरिक्त टैंक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं खुद एक सिनेमोटोग्राफ हूँ और ट्रॉली के साथ चलता हूँ बुद्ध तब से एक नई शैली विकसित करने की कोशिश कर रहे थे ग्रह युद्ध के दिन हम अक्सर इस बात पर बहस करते थे कि वे चीज़ें को एक निश्चित तरीके से क्यों कर रहे हैं फिर फिर वह मुझे एक नई शैली विकसित करने की इच्छा के बारे में बताते हैं क्योंकि मैं भी एक नई फिल्म निर्माता हूँ इसलिए इसलिए यह मुझ समझ सकता हूँ सामान्य जीवन जो था एक ठग शीतल दास जो मृतक परबीर दत्ता के घर आया और उसे प्रेडिस स्पोर्टिंग्स क्लब कोलकाता का गल का गोल दिखा दिया गया संदर्भ में बताया जाता है कि स्टेफनो रेगिस ने रिगानी एक्को आई फिल्म में एक ए वेनिजिया सी कैंडोन के से आई लियोडी डी आर ए लाइस टम्प्स वन एट्टी थ्री ट्वेंटी एट जुलाई दो हज़ार सन उन्नीस सौ बयासी को ले गया बुध ने मुझे अपने गृह युद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया गौतम धोष कोलकाता समाचार टाइम्स ऑफ इंडिया दिया गया बुध ने मुझे अपने युद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया और इसके बाद ये वह कहता हुआ रहा ग्रह जुदा मूवी के फैक्टो रिव्यू ग्रह जुदा सन उन्नीस की एक बंगाली फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन बुद्ध देवदास गुप्ता ने किया है इसमें सुनील मुखर्जी ने अभिनय किया फिल्म का निर्माण पश्चिम बंगाल सरकार अनुबंध के तहत किया गया था सन उन्नीस के दशक में बंगाल में नक्सली आंदोलन फिल्म की पृष्ठभूमि भूमिका बनाता है निर्देशक बुद्ध देव दासगुप्ता लेखक है बुद्ध देवदास गुप्ता और परबीत दास महापात्रा उत्पादित किया बुद्ध देवदास गुप्ता ने छायांकन संबित बोस ने किया रिलीज सन उन्नीस में हुई फिल्म का कार्यक्रम अट्ठानवे मिनट का और देश भारत और भाषा बंगाली फिल्म को वैनिस फिल्म फेस्टिवल के उनतालीसवें संस्करण में के मुख्य प्रतियोगिता में शामिल किया गया था कथानक बैरकपुर में एक निजी स्टील कंपनी के मुखिया श्रम अधिकारी के प्रबंधन और भ्रष्टाचार पर आभास होता है वह आदर्शवादी व इस्तीफा दे देता है और उसकी हत्या कर दी जाती है ट्रेड यूनियन के सचिव प्रोबीर को इसका पता चलता है और उसकी हत्या कर दी जाती है उसका साथी बिजन भाग भागने में सफल हो जाता है और फरार हो जाता है निरुपमा बहन को चुपचाप बिजन को पालती है और संदीप एक रिपोर्ट्स के द्वारा हत्यारों के बड़े बड़े के ग्रहों को ट्रैक करती है जिसमें शीतल भी शामिल है जो एक छोटे से में की फुटबॉल टीम में गोलकीपर है शीतल को शीतल ने खुलासा किया है उन्हें नौकरी का जासा दिया गया था लेकिन वादे नहीं रखे गए और शीतल अपने अतीत को छोड़ना चाहती है इस बीच बीजन नास नासिक में एक सेल्समैन के रूप में अच्छा कर चुका है और एक बदलते ए, बदले हुए व्यक्ति के रूप में कलकत्ता लौटता है उनके मूल्य समय की सफलता से छीन हो गए थे वे अपने पहले के विश्वासों की अपनी मर्यादा को तो सही ठहराने की कोशिश करता है लेकिन निरुपमा को समझाने में विफल रहता है ये रहता है उसके बाद बाद वे क्या लेकिन ब्रह्म और ताश निरूपमा को अपना प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है शादी की तारीख पर संदीपन रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया जाता है उलझन को निरुपमा को पता चलता है कि ए, पर चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ा है जो उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा है लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपमा के साथ का अंत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और निरुपमा को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक असहाय लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है जो पता चलता है कि वह निप न्यूपम्मा के साथ फ़िल्म का अंत करती है खुद की संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और नूर को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपमा के साथ फिल्म का अतीत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है अंजन दत्ता जो बिजन के रूप में है और ममता शंकर जो निरुपमा के रूप में है और संदीपन के रूप में गौतम घोष है और शशांश भट्टाचार्य है समाचार पत्र संपादक के रूप में मनोज मित्रा है परबीर गुहा और सुनील मुखर्जी और प्रदीप सैन और मनोदीप रॉय है इसके बाद पता चलता है कि वह इसके बाद बताया गया है कि उत्पादन में देखा गया है सन उन्नीस सौ इक्यासी में गौतम घोष ने ममता शंकर के साथ दखल नामक एक फिल्म की थी और गौतम घोष ने कहा था कि ममता को निर्देशित करते हुए मैं कुछ दृश्यों का अभिनय करूंगा और उनके बुद्ध को फ़ोन किया यह भी कहा कि उन्हें गृह युद्ध में भूमिका के लिए सम्... मुझसे संपर्क करना चाहिए और बुद्ध और ममता उन्हें भूमिका निभाने के लिए मामले में उनके वापस आपस पहुँचे आसपास पहुँचे उत्पादन गौतम घोष को एक तारखार में बुधदेव सा दास गुप्ता के बारे में कहा वे हमेशा यूनिट को बताते थे कि मुझे अतिरिक्त टैंक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं खुद एक सिनेमोटोग्राफ हूँ और ट्रॉली के साथ चलता हूँ बुध तब से एक नई शैली विकसित करने की कोशिश कर रहे थे ग्रह युद्ध के दिन हम अक्सर इस बात पर बहस करते थे कि वे चीज़ें को एक निश्चित तरीके से क्यों कर रहे हैं फिर फिर वह मुझे एक नई शैली विकसित करने की इच्छा के बारे में बताते हैं क्योंकि मैं भी एक नई फिल्म निर्माता हूँ इसलिए इसलिए यह मुझ समझ सकता हूँ सामान्य जीवन जो था एक ठग शीतल दास जो मृतक प्रबीप दत्ता के घर आया और उसे प्रेडिस स्पोर्टिंग्स क्लब कोलकाता का गल का गोल दिखा दिया गया संदर्भ में बताया जाता है कि स्टेफनो रेगिस ने रेगानी एक्को आई फिल्म में एक ए वेनिजिया सी कैंडोनिया के आई लियोनडी आर डी आर ए लाइस टम्स वन एट्टी थ्री ट्वेंटी एट जुलाई दो हज़ार सन उन्नीस सौ बयासी को ले गया बुध ने मुझे अपने गृहयुद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया गौतम धोष कोलकाता समाचार टाइम्स ऑफ इंडिया दिया गया बुध ने मुझे अपने गृहयुद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया और इसके बाद ये वह कहता हुआ रहा ग्रह युद्धा मूवी के फैक्टो रिव्यू ग्रह जुदा सन उन्नीस की एक बंगाली फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन बुद्ध देव गुप्ता ने किया है इसमें सुनील मुखर्जी ने अभिनय किया फिल्म का निर्माण पश्चिम बंगाल सरकार अनुबंध के तहत किया गया था सन उन्नीस के दशक में बंगाल में नक्सली आंदोलन फिल्म की पृष्ठभूमि भूमिका बनाता है निर्देशक बुद्धदेव दास गुप्ता लेखक है बुद्ध दास गुप्ता और परबीत दास महापात्रा उत्पादित किया बुद्ध दास गुप्ता ने छायांकन संबित बोस ने किया रिलीज सन उन्नीस सौ बयासी में हुई फिल्म का कार्यक्रम अट्ठानवे मिनट का और देश भारत और भाषा बंगाली फिल्म को फैनिस फिल्म फेस्टिवल के उनतालीसवें संस्करण में के मुख्य प्रतियोगिता में शामिल किया गया था कथानक बैरकपुर में एक निजी स्टील कंपनी के मुखिया श्रम अधिकारी के प्रबंधन और भ्रष्टाचार पर आभाष होता है वह आदर्शवादी व इस्तीफा दे देता है और उसकी हत्या कर दी जाती है ट्रेड यूनियन के सचिव प्रोबीर को इसका पता चलता है और उसकी हत्या कर दी जाती है उसका साथी बिजन भाग भागने में सफल हो जाता है और फरार हो जाता है निरुपमा बहन को चुपचाप बिजन को पालती है और संदीप एक रिपोर्ट्स के द्वारा हत्यारों के बड़े बड़े के ग्रहों को ट्रैक करती है जिसमें शीतल भी शामिल है जो एक छोटे समय की फुटबॉल टीम में गोल कीपर है शीतल को शीतल ने खुलासा किया है उन्हें नौकरी का जासा दिया गया था लेकिन वादे नहीं रखे गए और शीतल अपने अतीत को छोड़ना चाहती है इस बीच विजन नास नासिक में एक सेल्समैन के रूप में अच्छा कर चुका है और एक बदलते ए, बदले हुए व्यक्ति के रूप में कलकत्ता लौटता है उनके मूल्य समय की सफलता से छीन हो गए थे वे अपने पहले के विश्वासों की अपनी मर्यादा को तो सही ठहराने की कोशिश करता है लेकिन निरुपमा को समझाने में विफल रहता है ये रहता है उसके बाद बाद वे क्या लेकिन और हताश निरूपण को अपना प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है शादी की तारीख पर संदीपन रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया जाता है उलझन को निरुपमा को पता चलता है कि पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ा है जो उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा है लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपम्मा के साथ का अंत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और निरुपमा को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक असहाय लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है जो पता चलता है कि वह न्यूपमा के साथ फ़िल्म का अंत करती है खुद की संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और नूर को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा ही लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपम्मा के साथ फिल्म का अतीत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है अंजन दत्ता जो बिजन के रूप में है और ममता शंकर जो निरुपमा के रूप में है और संदीपन के रूप में गौतम घोष है और शशांश भट्टाचार्य है समाचार पत्र संपादक के रूप में मनोज मित्रा है परबीर गुहा और सुनील मुखर्जी और प्रदीप सेन और मनोदीप रॉय है इसके बाद पता चलता है कि वह है। इसके बाद बताया गया है कि उत्पादन में देखा गया है सन उन्नीस सौ इक्यासी में गौतम घोष ने ममता शंकर के साथ दखल नामक एक फिल्म की थी और गौतम घोष ने कहा था कि ममता को निर्देशित करते हुए मैं कुछ दृश्यों का अभिनय करूंगा और उनके बुद्ध को फ़ोन किया यह भी कहा कि उन्हें गृहयुद्ध में भूमिका के लिए सम्... मुझसे संपर्क करना चाहिए और बुद्ध और ममता उन्हें भूमिका निभाने के लिए मामले में उनके वापस आपस पहुंचे आसपास पहुँचे उत्पादन गौतम घोष को एक तारखार में बुधदेव सा दास गुप्ता के बारे में कहा वे हमेशा यूनिट को बताते थे कि मुझे अतिरिक्त टैंक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं खुद एक सिनेमोटोग्राफ हूँ और ट्रॉली के साथ चलता हूँ बुध तब से एक नई शैली विकसित करने की कोशिश कर रहे थे ग्रह युद्ध के दिन हम अक्सर इस बात पर बहस करते थे कि वे चीज़ें को एक निश्चित तरीके से क्यों कर रहे हैं फिर फिर वह मुझे एक नई शैली विकसित करने की इच्छा के बारे में बताते हैं क्योंकि मैं भी एक नई फिल्म निर्माता हूँ इसलिए इसलिए यह मुझ समझ सकता हूँ सामान्य जीवन जो था एक ठग शीतल दास जो मृतक परबीर दत्ता के घर आया और उसे प्रेडिस स्पोर्टिंग्स क्लब कोलकाता का गल का गोल दिखा दिया गया संदर्भ में बताया जाता है कि स्टेफनो रेगिस ने रेगानी एक्को आई फिल्म में एक ए वेनिजिया सी कै के कैंडोन से आई लियोन्टम्प्स वन एट्टी थ्री ट्वेंटी एट जुलाई दो हज़ार सन उन्नीस सौ बयासी को ले गया बुध ने मुझे अपने गृह युद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया गौतम धोष कोलकाता समाचार टाइम्स ऑफ इंडिया दिया गया बुध ने मुझे अपने गृहयुद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया और इसके बाद ये वह कहता हुआ रहा ग्रह जुदा मूवी के फैक्टो रिव्यू ग्रह जुदा सन उन्नीस की एक बंगाली फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन बुद्ध दास गुप्ता ने किया है इसमें सुनील मुखर्जी ने अभिनय किया फिल्म का निर्माण पश्चिम बंगाल सरकार अनुबंध के तहत किया गया था सन उन्नीस के दशक में बंगाल में नक्सली आंदोलन फिल्म की पृष्ठभूमि भूमिका बनाता है निर्देशक दास गुप्ता लेखक है बुद्ध दास गुप्ता और परबीत दास महापात्रा उत्पादित किया बुद्ध दास गुप्ता ने छायांकन संबित बोस ने किया रिलीज सन उन्नीस में हुई फिल्म का कार्यक्रम अट्ठानवे मिनट का और देश भारत और भाषा बंगाली फिल्म को वैनिस फिल्म फेस्टिवल के उनतालीसवें संस्करण में के मुख्य प्रतियोगिता में शामिल किया गया था कथानक बैरकपुर में एक निजी स्टील कंपनी के मुखिया श्रम अधिकारी के प्रबंधन और भ्रष्टाचार पर आभाष होता है वह आदर्शवादी व इस्तीफ़ा देता है और उसकी हत्या कर दी जाती है ट्रेड यूनियन के सचिव प्रोबीर को इसका पता चलता है और उसकी हत्या कर दी जाती है उसका साथी बिजन भाग भागने में सफल हो जाता है और फरार हो जाता है निरुपमा बहन को चुपचाप बिजन को पालती है और संदीप एक रिपोर्ट्स के द्वारा हत्यारों के बड़े बड़े के ग्रहों को ट्रैक करती है जिसमें शीतल भी शामिल है जो एक छोटे से में कीबोर्ड बॉल टीम में गोलकीपर है शीतल को शीतल ने खुलासा किया है उन्हें नौकरी का जासा दिया गया था लेकिन वादे नहीं रखे गए और शीतल अपने अतीत को छोड़ना चाहती है इस बीच बीजन विजन नास, नासिक में एक सेल्समैन के रूप में अच्छा कर चुका है और एक बदलते बदले हुए व्यक्ति के रूप में कलकत्ता लौटता है उनके मूल्य समय की सफलता से छीन हो गए थे वे अपने पहले के विश्वासों की अपनी मर्यादा को तो सही ठहराने की कोशिश करता है लेकिन निरुपमा को समझाने में विफल रहता है ये रहता है उसके बाद बाद वे क्या लेकिन ब्रह्म और आताश निरूपण को अपना प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है शादी की तारीख पर संदीपन रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया जाता है उलझन को निरुपमा को पता चलता है कि, ए, कि पर चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ा है जो उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा है लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपम्मा के साथ का अंत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और निरुपमा को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक असहाय लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है जो पता चलता है कि वह निप न्यूपम्मा के साथ फ़िल्म का अंत करती है खुद की संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और नूर को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपम्मा के साथ फ़िल्म का अतीत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है अंजन दत्ता जो बिजन के रूप में है और ममता शंकर जो निरुपमा के रूप में है और संदीपन के रूप में गौतम घोष है और शशांश भट्टाचार्य है समाचार पत्र संपादक के रूप में मनोज मित्रा है परबीर गुहा और सुनील मुखर्जी और प्रदीप सैन और मनोदीप रॉय है इसके बाद पता चलता है कि वह है। इसके बाद बताया गया है कि उत्पादन में देखा गया है सन उन्नीस सौ में गौतम घोष ने ममता शंकर के साथ दखल नामक एक फिल्म की थी और गौतम घोष ने कहा था कि ममता को निर्देशित करते हुए मैं कुछ दृश्यों का अभिनय करूंगा और उनके बुद्ध को फ़ोन किया यह भी कहा कि उन्हें गृह युद्ध में भूमिका के लिए सम्... मुझसे संपर्क करना चाहिए और बुध और ममता उन्हें भूमिका निभाने के लिए मामले में उनके वापस आपस पहुंचे आसपास पहुँचे उत्पादन गौतम घोष को एक में सादास गुप्ता के बारे में कहा वे हमेशा यूनिट को बताते थे कि मुझे अतिरिक्त टैंक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं खुद एक सिनेमोटोग्राफ हूँ और ट्रॉली के साथ चलता हूँ बुध तब से एक नई शैली विकसित करने की कोशिश कर रहे थे ग्रह युद्ध के दिन हम अक्सर इस बात पर बहस करते थे कि वे चीज़ें को एक निश्चित तरीके से क्यों कर रहे हैं फिर फिर वह मुझे एक नई शैली विकसित करने की इच्छा के बारे में बताते हैं क्योंकि मैं भी एक नई फिल्म निर्माता हूँ इसलिए इसलिए यह मुझ समझ सकता हूँ सामान्य जीवन जो था एक ठग शीतल दास जो मृतक प्रबीप दत्ता के घर आया और उसे प्रडिस स्पोर्टिंग्स क्लब कोलकाता का गल का गोल दिखा दिया गया संदर्भ में बताया जाता है कि स्टेफनो ने रेगानी एक्को आई फिल्म में एक ए वेनिजिया सी कै आई लियोनडी आर डी आर ए लाइस टम्प्स वन एट्टी थ्री ट्वेंटी एट जुलाई दो हज़ार सौ बयासी को ले गया बुध ने मुझे अपने ग्रह युद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया गौतम धोष कोलकाता समाचार टाइम्स ऑफ इंडिया दिया गया बुध ने मुझे अपने ग्रह युद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया और इसके बाद ये वह कहता हुआ रहा ग्रह जुदा मूवी के फैक्टो रिव्यू ग्रह जुदा सन उन्नीस की एक बंगाली फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन बुद्ध देव गुप्ता ने किया है इसमें सुनील मुखर्जी ने अभिनय किया फिल्म का निर्माण पश्चिम बंगाल सरकार अनुबंध के तहत किया गया था सन उन्नीस के दशक में बंगाल में नक्सली आंदोलन फिल्म की पृष्ठभूमि भूमिका बनाता है निर्देशक बुद्ध गुप्ता लेखक है बुद्ध दास गुप्ता और परबीत दास महापात्रा उत्पादित किया बुद्ध देवदास गुप्ता ने छायांकन संबित बोस ने किया रिलीज सन उन्नीस सौ बयासी में हुई फिल्म का कार्यक्रम अट्ठानवे मिनट का और देश भारत और भाषा बंगाली फिल्म को फैनिस फिल्म फेस्टिवल के उनतालीसवें संस्करण में के मुख्य प्रतियोगिता में शामिल किया गया था कथानक बैरकपुर में एक निजी स्टील कंपनी के मुखिया श्रम अधिकारी के प्रबंधन और भ्रष्टाचार पर आभाष होता है वह आदर्शवादी व इस्तीफा दे देता है और उसकी हत्या कर दी जाती है ट्रेड यूनियन के सचिव प्रोबीर को इसका पता चलता है और उसकी हत्या कर दी जाती है उसका साथी बिजन भाग भागने में सफल हो जाता है और फरार हो जाता है निरुपमा बहन को चुपचाप बिजन को पालती है और संदीप एक रिपोर्ट्स के द्वारा हत्यारों के बड़े बड़े के ग्रहों को ट्रैक करती है जिसमें शीतल भी शामिल है जो एक छोटे समय की फुटबॉल टीम में गोल कीपर है शीतल को शीतल ने खुलासा किया है उन्हें नौकरी का जासा दिया गया था लेकिन वादे नहीं रखे गए और शीतल अपने अतीत को छोड़ना चाहती है इस बीच बीजन नास नासिक में एक सेल्समैन के रूप में अच्छा कर चुका है और एक बदलते ए, बदले हुए व्यक्ति के रूप में कलकत्ता लौटता है उनके मूल्य समय की सफलता से छीन हो गए थे वे अपने पहले के विश्वासों की अपनी मर्यादा को तो सही ठहराने की कोशिश करता है लेकिन निरुपमा को समझाने में विफल रहता है ये रहता है उसके बाद बाद वे क्या लेकिन और हताश निरूपण को अपना प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है शादी की तारीख पर संदीपन रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया जाता है उलझन को निरुपमा को पता चलता है कि पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ा है जो उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा है लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपम्मा के साथ का अंत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और निरुपमा को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक असहाय लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है जो पता चलता है कि वह न्यूपमा के साथ फ़िल्म का अंत करती है खुद की संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और न्यूपमा को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा ही लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपम्मा के साथ फ़िल्म का अतीत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है अंजन दत्ता जो बिजन के रूप में है और ममता शंकर जो निरुपमा के रूप में है और संदीपन के रूप में गौतम घोष है और और शशांश भट्टाचार्य है समाचार पत्र संपादक के रूप में मनोज मित्रा है परबीर गुहा और सुनील मुखर्जी और प्रदीप सैन और मनोदीप रॉय है इसके बाद पता चलता है कि वह है। इसके बाद बताया गया है कि उत्पादन में देखा गया है सन उन्नीस सौ इक्यासी में गौतम घोष ने ममता शंकर के साथ दखल नामक एक फिल्म की थी और गौतम घोष ने कहा था कि ममता को निर्देशित करते हुए मैं कुछ दृश्यों का अभिनय करूंगा और उनके बुद्ध को फ़ोन किया यह भी कहा कि उन्हें गृह युद्ध में भूमिका के लिए सम, मुझसे संपर्क करना चाहिए और बुद्ध और ममता उन्हें भूमिका निभाने के लिए मामले में उनके वापस आपस पहुंचे आसपास पहुँचे उत्पादन गौतम घोष को एक बुधदेव बुद्धदेव दास गुप्ता के बारे में कहा वे हमेशा यूनिट को बताते थे कि मुझे अतिरिक्त टैंक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं खुद एक सिनेमोटोग्राफ हूँ और ट्रॉली के साथ चलता हूँ बुध तब से एक नई शैली विकसित करने की कोशिश कर रहे थे ग्रह युद्ध के दिन हम अक्सर इस बात पर बहस करते थे कि वे चीज़ें को एक निश्चित तरीके से क्यों कर रहे हैं फिर फिर वह मुझे एक नई शैली विकसित करने की इच्छा के बारे में बताते हैं क्योंकि मैं भी एक नई नि फिल्म निर्माता हूँ इसलिए इसलिए यह मुझ समझ सकता हूँ सामान्य जीवन जो था एक ठग शीतल दास जो मृतक परबीर दत्ता के घर आया और उसे प्रेडिस स्पोर्टिंग्स क्लब कोलकाता का गल का गोल दिखा दिया गया संदर्भ में बताया जाता है कि स्टेफनो ने रिगानी एक्को आई फिल्म में एक ए वेनिजिया सी कैंडोन के से आई लियोनडी आर डी आर ए लाइस टम्प्स वन एट्टी थ्री ट्वेंटी एट जुलाई दो हज़ार सन उन्नीस सौ बयासी को ले गया बुध ने मुझे अपने गृह युद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया गौतम धोष कोलकाता समाचार टाइम्स ऑफ इंडिया दिया गया बुध ने मुझे अपने गृहयुद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया और इसके बाद यही वे कहता हुआ रहा ग्रह जुदा मूवी के फैक्टो रिव्यू ग्रह जुदा सन उन्नीस की एक बंगाली फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन बुद्ध देव दास गुप्ता ने किया है इसमें सुनील मुखर्जी ने अभिनय किया फिल्म का निर्माण पश्चिम बंगाल सरकार अनुबंध के तहत किया गया था सन उन्नीस के दशक में बंगाल में नक्सली आंदोलन फिल्म की पृष्ठभूमि भूमिका बनाता है निर्देशक दास गुप्ता लेखक है बुद्ध दास गुप्ता और परबीत दास महापात्रा उत्पादित किया बुद्ध दास गुप्ता ने छायांकन संबित बोस ने किया रिलीज सन उन्नीस सौ बयासी में हुई फिल्म का कार्यक्रम अट्ठानवे मिनट का और देश भारत और भाषा बंगाली फिल्म को वैनिस फिल्म फेस्टिवल के उनतालीसवें संस्करण में के मुख्य प्रतियोगिता में शामिल किया गया था कथानक बैरकपुर में एक निजी स्टील कंपनी के मुखिया श्रम अधिकारी के प्रबंधन और भ्रष्टाचार पर आभाष होता है वह आदर्शवादी व इस्तीफ़ा देता है और उसकी हत्या कर दी जाती है ट्रेड यूनियन के सचिव प्रोबीर को इसका पता चलता है और उसकी हत्या कर दी जाती है उसका साथी बिजन भाग भागने में सफल हो जाता है और फरार हो जाता है निरुपम्मा बहन को चुपचाप बिजन को पालती है और संदीप एक रिपोर्ट्स के द्वारा हत्यारों के बड़े बड़े के ग्रहों को ट्रैक करती है जिसमें शीतल भी शामिल है जो एक छोटे से मेन कीबोर्ड बॉल टीम में गोलकीपर है शीतल को शीतल ने खुलासा किया है उन्हें नौकरी का जासा दिया गया था लेकिन वादे नहीं रखे गए और शीतल अपने अतीत को छोड़ना चाहती है इस बीच बेजन नास, नासिक में एक सेल्समैन के रूप में अच्छा कर चुका है और एक बदलते ए, बदले हुए व्यक्ति के रूप में कलकत्ता लौटता है उनके मूल्य समय की सफलता से छीन हो गए थे वे अपने पहले के विश्वासों की अपनी मर्यादा को तो सही ठहराने की कोशिश करता है लेकिन निरुपमा को समझाने में विफल रहता है ये रहता है उसके बाद बाद वे क्या लेकिन ब्रह्म और ताश निरूपण को अपना प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है शादी की तारीख पर संदीपन रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया जाता है उलझन को निरुपमा को पता चलता है कि, कि पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ा है जो उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा है लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह निरुपमा के साथ का अंत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और निरुपमा को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक असहाय लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है जो पता चलता है कि वह निप न्यूपम्मा के साथ फ़िल्म का अंत करती है खुद की संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और नूरो को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा है लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज़ पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपम्मा के साथ फ़िल्म का अतीत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है अंजन दत्ता जो बिजन के रूप में है और ममता शंकर जो निरुपमा के रूप में है और संदीपन के रूप में गौतम घोष है और और शशांश भट्टाचार्य है समाचार पत्र संपादक के रूप में मनोज मित्रा है परबीर गुहा और सुनील मुखर्जी और प्रदीप सेन और मनोदीप रॉय है इसके बाद पता चलता है कि वह है। इसके बाद बताया गया है कि उत्पादन में देखा गया है सन उन्नीस सौ इक्यासी में गौतम घोष ने ममता शंकर के साथ दखल नामक एक फिल्म की थी और गौतम घोष ने कहा था कि ममता को निर्देशित करते हुए मैं कुछ दृश्यों का अभिनय करूंगा और उनके बुद्ध को फ़ोन किया यह भी कहा कि उन्हें गृह युद्ध में भूमिका के लिए सम, मुझसे संपर्क करना चाहिए और बुद्ध और ममता उन्हें भूमिका निभाने के लिए मामले में उनके वापस आपस पहुँचे आसपास पहुँचे उत्पादन गौतम घोष को एक तारखार में बुद्धदेव सा दास गुप्ता के बारे में कहा वे हमेशा यूनिट को बताते थे कि मुझे अतिरिक्त टैंक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं खुद एक सिनेमोटोग्राफ हूँ और ट्रॉली के साथ चलता हूँ बुद्ध तब से एक नई शैली विकसित करने की कोशिश कर रहे थे ग्रह युद्ध के दिन हम अक्सर इस बात पर बहस करते थे कि वे चीज़ें को एक निश्चित तरीके से क्यों कर रहे हैं फिर फिर वह मुझे एक नई शैली विकसित करने की इच्छा के बारे में बताते हैं क्योंकि मैं भी एक नई फिल्म निर्माता हूँ इसलिए इसलिए यह मुझ समझ सकता हूँ सामान्य जीवन जो था एक ठग शीतल दास जो मृतक प्रबीर दत्ता के घर आया और उसे प्रेडिस स्पोर्टिंग्स क्लब कोलकाता का गल का गोल दिखा दिया गया संदर्भ में बताया जाता है कि स्टेफनो ने रिगानी एक्को आई फिल्म में एक ए वेनिजिया सी कै के डी से लाइस लियोन्टम्प्स वन एट्टी थ्री ट्वेंटी एट जुलाई दो हज़ार सौ बयासी को ले गया बुध ने मुझे अपने ग्रह युद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया गौतम धोष कोलकाता समाचार टाइम्स ऑफ इंडिया दिया गया बुध ने मुझे अपने ग्रह युद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया और इसके बाद ये वह कहता हुआ रहा ग्रह जुदा मूवी के फैक्टो रिव्यू ग्रह जुदा सन उन्नीस सौ बयासी की एक बंगाली फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन बुद्ध देव दास गुप्ता ने किया है इसमें सुनील मुखर्जी ने अभिनय किया फिल्म का निर्माण पश्चिम बंगाल सरकार अनुबंध के तहत किया गया था सन उन्नीस के दशक में बंगाल में नक्सली आंदोलन फिल्म की पृष्ठभूमि भूमिका बनाता है निर्देशक बुद्ध देव गुप्ता लेखक है बुद्ध दास गुप्ता और परबीत दास महापात्रा उत्पादित किया बुद्ध दास गुप्ता ने छायांकन संबित बोस ने किया रिलीज सन उन्नीस सौ बयासी में हुई फिल्म का कार्यक्रम अट्ठानवे मिनट का और देश भारत और भाषा बंगाली फिल्म को फैनिस फिल्म फेस्टिवल के उनतालीसवें संस्करण में के मुख्य प्रतियोगिता में शामिल किया गया था कथानक बैरकपुर में एक निजी स्टील कंपनी के मुखिया श्रम अधिकारी के प्रबंधन और भ्रष्टाचार पर आभास होता है वह आदर्शवादी व इस्तीफा दे देता है और उसकी हत्या कर दी जाती है ट्रेड यूनियन के सचिव प्रोबीर को इसका पता चलता है और उसकी हत्या कर दी जाती है उसका साथी बिजन भाग भागने में सफल हो जाता है और फरार हो जाता है निरुपमा बहन को चुपचाप बिजन को पालती है और संदीप एक रिपोर्ट्स के द्वारा हत्यारों के बड़े बड़े के ग्रहों को ट्रैक करती है जिसमें शीतल भी शामिल है जो एक छोटे में की फुटबॉल टीम में गोल कीपर है शीतल को शीतल ने खुलासा किया है उन्हें नौकरी का जासा दिया गया था लेकिन वादे नहीं रखे गए और शीतल अपने अतीत को छोड़ना चाहती है इस बीच बीजन नास नासिक में एक सेल्समैन के रूप में अच्छा कर चुका है और एक बदलते ए, बदले हुए व्यक्ति के रूप में कलकत्ता लौटता है उनके मूल्य समय की सफलता से छीन हो गए थे वे अपने पहले के विश्वासों की अपनी मर्यादा को तो सही ठहराने की कोशिश करता है लेकिन निरुपमा को समझाने में विफल रहता है ये रहता है उसके बाद, बाद वे क्या लेकिन ब्रह्मूर्त हताश निरूपमा को अपना प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है शादी की तारीख पर संदीपन रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया जाता है उलझन को निरुपमा को पता चलता है कि पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ा है जो उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा है लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपम्मा के साथ का अंत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और निरुपमा को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक असहाय लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है जो पता चलता है कि वह न्यूपमा के साथ फ़िल्म का अंत करती है खुद की संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और नूर को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपम्मा के साथ फ़िल्म का अतीत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है अंजन दत्ता जो बिजन के रूप में है और ममता शंकर जो निरुपमा के रूप में है और संदीपन के रूप में गौतम घोष है और और शशांश भट्टाचार्य है समाचार पत्र संपादक के रूप में मनोज मित्रा है परबीर गुहा और सुनील मुखर्जी और प्रदीप सैन और मनोदीप रॉय है इसके बाद पता चलता है कि वह इसके बाद बताया गया है कि उत्पादन में देखा गया है सन उन्नीस सौ इक्यासी में गौतम घोष ने ममता शंकर के साथ दखल नामक एक फिल्म की थी और गौतम घोष ने कहा था कि ममता को निर्देशित करते हुए मैं कुछ दृश्यों का अभिनय करूंगा और उनके बुद्ध को फ़ोन किया यह भी कहा कि उन्हें गृह युद्ध में भूमिका के लिए सम्... मुझसे संपर्क करना चाहिए और बुद्ध और ममता उन्हें भूमिका निभाने के लिए मामले में उनके वापस आपस पहुंचे आसपास पहुँचे उत्पादन गौतम घोष को एक में बुधदेव गुप्ता के बारे में कहा वे हमेशा यूनिट को बताते थे कि मुझे अतिरिक्त टैंक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं खुद एक सिनेमोटोग्राफ हूँ और ट्रॉली के साथ चलता हूँ बुध तब से एक नई शैली विकसित करने की कोशिश कर रहे थे ग्रह युद्ध के दिन हम अक्सर इस बात पर बहस करते थे कि वे चीज़ें को एक निश्चित तरीके से क्यों कर रहे हैं फिर फिर वह मुझे एक नई शैली विकसित करने की इच्छा के बारे में बताते हैं क्योंकि मैं भी एक नई फिल्म निर्माता हूँ इसलिए इसलिए यह मुझ समझ सकता हूँ सामान्य जीवन जो था एक ठग शीतल दास जो मृतक परबीर दत्ता के घर आया और उसे प्रेडिस स्पोर्टिंग्स क्लब कोलकाता का गल का गोल दिखा दिया गया संदर्भ में बताया जाता है कि स्टेफनो रेगिस ने रिगानी एक्को आई फिल्म में एक ए वेनिजिया सी कै से आई लियोनडी आर डी आर ए लाइस टम्प्स वन एट्टी थ्री ट्वेंटी एट जुलाई दो हज़ार सन उन्नीस सौ बयासी को ले गया बुध ने मुझे अपने ग्रह युद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया गौतम धोष कोलकाता समाचार टाइम्स ऑफ इंडिया दिया गया बुध ने मुझे अपने ग्रह युद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया और इसके बाद यही वह कहता हुआ रहा ग्रह जुदा मूवी के फैक्टो रिव्यू ग्रह जुदा सन उन्नीस सौ बयासी की एक बंगाली फ़िल्म है जिसका निर्देशन और लेखन बुद्ध दास गुप्ता ने किया है इसमें सुनील मुखर्जी ने अभिनय किया फिल्म का निर्माण पश्चिम बंगाल सरकार अनुबंध के तहत किया गया था सन उन्नीस के दशक में बंगाल में नक्सली आंदोलन फिल्म की पृष्ठभूमि भूमिका बनाता है निर्देशक दास दासगुप्ता लेखक है बुद्ध दास गुप्ता और परबीत दास महापात्रा उत्पादित किया बुद्ध दास गुप्ता ने छायांकन संबित बोस ने किया रिलीज सन उन्नीस सौ बयासी में हुई फिल्म का कार्यक्रम अट्ठानवे मिनट का और देश भारत और भाषा बंगाली फिल्म को फैनिस फिल्म फेस्टिवल के उनतालीसवें संस्करण में के मुख्य प्रतियोगिता में शामिल किया गया था कथानक बैरकपुर में एक निजी स्टील कंपनी के मुखिया श्रम अधिकारी के प्रबंधन और भ्रष्टाचार पर आभाष होता है वह आदर्शवादी व इस्तीफा देता है और उसकी हत्या कर दी जाती है ट्रेड यूनियन के सचिव प्रोबीर को इसका पता चलता है और उसकी हत्या कर दी जाती है उसका साथी बिजन भाग भागने में सफल हो जाता है और फरार हो जाता है निरुपमा बहन को चुपचाप बिजन को पालती है और संदीप एक रिपोर्ट्स के द्वारा हत्यारों के बड़े बड़े के ग्रहों को ट्रैक करती है जिसमें शीतल भी शामिल है जो एक छोटे से नए कीबोर्ड बॉल टीम में गोलकीपर है शीतल को शीतल ने खुलासा किया है उन्हें नौकरी का जासा दिया गया था लेकिन वादे नहीं रखे गए और शीतल अपने अतीत को छोड़ना चाहती है इस बीच बीजन नास नासिक में एक सेल्समैन के रूप में अच्छा कर चुका है और एक बदलते बदले हुए व्यक्ति के रूप में कलकत्ता लौटता है उनके मूल्य समय की सफलता से छीन हो गए थे वे अपने पहले के विश्वासों की अपनी मर्यादा को तो सही ठहराने की कोशिश करता है लेकिन निरुपमा को समझाने में विफल रहता है ये रहता है उसके बाद बाद वे क्या लेकिन ब्रह्म और हताश निरूपमा को अपना प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है शादी की तारीख पर संदीपन रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया जाता है उलझन को निरुपमा को पता चलता है कि, ए, कि पर चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ा है जो उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा है लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपम्मा के साथ का अंत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और निरुपमा को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक असहाय लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है जो पता चलता है कि वह निप न्यूपमा के साथ फ़िल्म का अंत करती है खुद की संघर्ष शुरू कर देती है झगड़े होते हैं और नूरो को पता चलता है कि उनके बीच की खाई इतनी चौड़ी है कि उसे पाटा नहीं जा सकता हालांकि दरार एक ऐसा ही लड़की को आत्म जागरूकता की दहलीज पर ले जाती है उसे पता चलता है कि वह न्यूपम्मा के साथ फ़िल्म का अतीत करती है और खुद ही संघर्ष शुरू कर देती है अंजन दत्ता जो बिजन के रूप में है और ममता शंकर जो निरुपमा के रूप में है और संदीपन के रूप में गौतम घोष है और और शशांश भट्टाचार्य है समाचार पत्र संपादक के रूप में मनोज मित्रा है परबीर गुहा और सुनील मुखर्जी और प्रदीप सैन और मनोदीप रॉय है इसके बाद पता चलता है कि वह है। इसके बाद बताया गया है कि उत्पादन में देखा गया है सन्नि सौ इक्यासी में गौतम घोष ने ममता शंकर के साथ दखल नामक एक फिल्म की थी और गौतम घोष ने कहा था कि ममता को निर्देशित करते हुए मैं कुछ दृश्यों का अभिनय करूंगा और उनके बुद्ध को फ़ोन किया यह भी कहा कि उन्हें गृहयुद्ध में भूमिका के लिए सम्... मुझसे संपर्क करना चाहिए और बुद्ध और ममता उन्हें भूमिका निभाने के लिए मामले में उनके वापस आपस पहुँचे आसपास पहुँचे उत्पादन गौतम घोष को एक तारखार में बुद्धदेव सा दास गुप्ता के बारे में कहा वे हमेशा यूनिट को बताते थे कि मुझे अतिरिक्त टैंक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं खुद एक सिनेमाटोग्राफ हूँ और ट्रॉली के साथ चलता हूँ बुद्ध तब से एक नई शैली विकसित करने की कोशिश कर रहे थे ग्रह युद्ध के दिन हम अक्सर इस बात पर बहस करते थे कि वे चीज़ें को एक निश्चित तरीके से क्यों कर रहे हैं फिर फिर वह मुझे एक नई शैली विकसित करने की इच्छा के बारे में बताते हैं क्योंकि मैं भी एक नई फिल्म निर्माता हूँ इसलिए इसलिए यह मुझ समझ सकता हूँ सामान्य जीवन जो था एक ठग शीतल दास जो मृतक प्रबीर दत्ता के घर आया और उसे प्रेडिस स्पोर्टिंग्स क्लब कोलकाता का गल का गोल दिखा दिया गया संदर्भ में बताया जाता है कि स्टेफनो रेगानी एक्को आई फिल्म में एक ए वेनिजिया सी कैंडोन के से आई लियोन्टम्प्स वन एट्टी थ्री ट्वेंटी एट जुलाई दो हज़ार सन उन्नीस सौ बयासी को ले गया बुध ने मुझे अपने गृह युद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया गौतम धोष कोलकाता समाचार टाइम्स ऑफ इंडिया दिया गया बुध ने मुझे अपने युद्ध के अभिनय की शुरुआत करने के लिए मजबूर किया और इसके बाद ही वह कहता हुआ रहा ग्रह जुदा मूवी के फैक्टो रिव्यू ग्रह जुदा सन उन्नीस की एक बंगाली फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन बुद्ध दास गुप्ता ने किया है इसमें सुनील मुखर्जी ने अभिनय किया फिल्म का निर्माण पश्चिम बंगाल सरकार अनुबंध के तहत किया गया था सन उन्नीस के दशक में बंगाल में नक्सली आंदोलन फिल्म की पृष्ठभूमि भूमिका बनाता है निर्देशक बुद्ध देव दासगुप्ता लेखक है बुद्ध दास गुप्ता और परबीत दास महापात्रा उत्पादित किया बुद्ध देवदास गुप्ता ने छायांकन संबित बोस ने किया रिलीज सन उन्नीस सौ बयासी में हुई फिल्म का कार्यक्रम अट्ठानवे मिनट का और देश भारत और भारत भाषा बंगाली फिल्म को फैनिस फिल्म फेस्टिवल के उनतालीसवें संस्करण में के मुख्य प्रतियोगिता में शामिल किया गया था कथानक बैरकपुर में एक निजी स्टील कंपनी के मुखिया श्रम अधिकारी के प्रबंधन और भ्रष्टाचार पर आभाष होता है वह आदर्शवादी व इस्तीफा दे देता है और उसकी हत्या कर दी जाती है ट्रेड यूनियन के सचिव प्रोबीर को इसका पता चलता है और उसकी हत्या कर दी जाती है उसका साथी बिजन भाग भागने में सफल हो जाता है और फरार हो जाता है निरुपमा बहन को चुपचाप बिजन को पालती है और संदीप एक रिपोर्ट्स के द्वारा हत्यारों के बड़े बड़े के ग्रहों को ट्रैक करती है जिसमें शीतल भी शामिल है जो एक छोटे से में की फुटबॉल टीम में गोलकीपर है शीतल को शीतल ने खुलासा किया है उन्हें नौकरी का जासा दिया गया था लेकिन वादे नहीं रखे गए और शीतल अपने अतीत को छोड़ना चाहती है इस बीच बीजन नास नासिक में एक सेल्समैन के रूप में अच्छा कर चुका है और एक बदलते ए, बदले हुए व्यक्ति के रूप में कलकत्ता लौटता है उनके मूल्य समय की सफलता से छीन हो गए थे वे अपने पहले के विश्वासों की अपनी मर्यादा को तो सही ठहराने की कोशिश करता है लेकिन निरुपमा को समझाने में विफल रहता है ये रहता है उसके बाद, बाद वे क्या लेकिन और